नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और इस बीच अप्रैल में जो आप लोग की मैं हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस ले रहा था, कुछ तबीयत खराब हो गई अचानक से और ज़्यादा ही हो गई, तो इस वजह से मैं नहीं ले पा रहा था। तो मैंने सोचा कि अप्रैल बीतते बीतते आप लोग सॉरी अप्रैल को जब अभी बचे हुए कुछ दिन, तो उसमें मैं आप लोगों को एक रिवीजन का कंटेंट उपलब्ध करा दूँ। तो चलिए उसके बारे में बताएंगे आपको। फिलहाल छोटा सा परिचय के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय से, साथ में मैं एलएलबी हूँ। 3 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्रम में। लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय भी पढ़ाता हूँ, साथ में जीएस मेंस पेपर 2। कुछ बेसिक प्रोग्राम अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेके आया है, उसको देख लीजिए, आप लोग जान लीजिए। फतेह नाम से ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चल रही है, जो रैंक 1 आएगा उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, 1 साल का सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी प्लस का। सेकेंड थर्ड रैंक वालों को 50% और रैंक 4 से लेकर 25 तक का 25% स्कॉलरशिप मिलेगा। यह टेस्ट सीरीज हर रविवार दोपहर 1 बजे मिलती है आपको और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है। एक यूपीपीसीएस के लिए अभ्यास बैच की शुरुआत की गई सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। आरओ यारो लेखपाल यूपीपीसीएस प्रीलिम्स यूपी ट्रिपल एससी लोअर सभी एग्जाम जो है इसमें कराए जाएंगे। इसमें एक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको कराए जाएंगे। प्री एनालिसिस टेस्ट कराया जाएगा तुरंत शाम बाद शाम 10:45 पे, टेस्ट के बाद तुरंत, और दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है, हिंदी तथा इंग्लिश ही है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा कोर्स होगा ये। इसके साथ आपको अनअकैडमी क्या क्या उपलब्ध कराती है, आपको मिलता है अपने घर पे बैठ के कंफर्ट में पढ़ाई करने का मौका, अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज के साथ, टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी के मिलते हैं आपको, कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन और मेंटरशिप तथा गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी उपलब्ध करा रहा है। बात करें कुछ बैचेस जो शुरू होने वाले हैं अनअकैडमी पर, देख लीजिए 22 अप्रैल से जो है एक बैच की शुरुआत हुई है जो यूपीपीसीएस अपर सबॉर्डिनेट 2022 के लिए है। ये पूरा बैच एक शानदार होगा, साल भर का कार्यक्रम प्रीलिम्स का मेंस का होगा, टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के मिलकर आपको कराएंगे। इसके साथ साथ जो आरओ यारओ लोग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2021 के अगर आर ओ आर ओ की बात करें तो उसके लिए 28 अप्रैल से एक बैच की शुरुआत हो रही है, प्रगति नाम से बैच है ये, और यहाँ पे भी टॉप एजुकेटर्स अन अकेडमी के मिलकर आपको क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। इसमें मेरी क्लासेस भी आपको पॉलिटी की मिलेंगी वहां पर, तो आप जुड़ सकते हैं, जुड़ के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म को इंजॉय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप दे सकते हैं। आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होता है यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, ये नहीं कि आपको हर कोर्स के लिए अलग अलग, जैसे आर ओ पढ़ना तो अलग एडमिशन लेना होगा, लोअर के लिए अलग, अपर के लिए अलग, नहीं, आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में एडमिशन लेना है जिसका नाम है यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। और आपको उसके साथ साथ क्या क्या मिलता है, यूपीपीएससी अपर सबॉर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, लेखपाल, बीईओ और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सारे के सारे आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इतने कम कॉस्ट पे आपको कहीं पे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अनअकैडमी आपको उपलब्ध करा रही है। जो रिकमेंडेड बैचेस है मेरी तरफ से वो 12 मंथ और 24 मंथ के हैं। तो जो 1 साल का बैच है उसकी फीस है 7,000 रुपये और मेरा कोड आप यूज कीजिए PS10 और ये फीस हो जाएगी आपकी मात्र 6,300 रुपये। इसी प्रकार से 2 साल की फीस है 8,400 रुपये और उसके साथ आप मेरा कोड PS10 यूज करते हैं तो फीस हो जाती 7,560 रुपये। इस तरीके से आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। जो अप्रैल का महीना है इसमें हम लोग पूरा एक एक क्लासेस जो आएंगी, लंबी क्लासेस होंगी, उसमें यूपी स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर के कुछ क्लासेस भी होंगी, साथ में आपके क्लासेस आपको मिलेंगी मॉडर्न हिस्ट्री की, एनवायरमेंट की, तो जो जो भी होंगी बंचअप में क्लासेस में आपको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉलिटी के कंप्लीट रिविजन बैच, तो ये इधर बीच जो क्लासेस आएंगी आप उसके माध्यम से इन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं अपने। एक तरीके से मिश्रित जीएस रिवीजन बैच होगा ये, अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक लेके आएंगे और आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की और इसी क्रम में रोज हम लोग अपने अपने नए नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि अप्रैल के जो बचे हुए दिन है आप लोग के लिए फ्रूटफुल हो जाए और आपको एक बढ़िया जो है रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन जो पैकेज है वो उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को हम लोग। और इस टॉपिक्स को आप लोग अवश्य करें क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई
या आरओ आरओ किसी भी एग्जाम की इवन प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर हिस्ट्री यहां पर आता है आपके एग्जाम में, तो हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो शुरू करेंगे, तेजी से चलेंगे, क्योंकि पूरी पूरी चीजें एक ही क्लास में कवर करनी है। आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने जो आपके जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसको एक बार जरूर शेयर कर दीजिए इस चीज को। ठीक है, देखते शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रमुख रूप है उसको हम लोग तीन चरणों में बांट के पढ़ते हैं। पहला चरण देखते हैं हम लोग 1885 से लेकर 1905 तक का, दूसरा चरण है 1905 से 1919 तक का, और तीसरा चरण है 1919 से लेकर 1947 तक का, यानी कांग्रेस के स्थापना से लेकर आजादी तक का जो चरण है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और उसी इसी खंड में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून रजनीश, स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, आप लोगों को पता है। उससे पूर्व भी कुछ राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी जानकारी के उद्देश्य से भी, तो इसको भी देखते हुए चलेंगे पहले, फिर अपने चरण की शुरुआत करेंगे। विनीत सिंह, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस से पूर्व जो स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके क्या महत्व और क्या क्या उनके बारे में कंटेंट है, थोड़ा तेजी चलेंगे। 1836 में बंगाल में स्थापित बंग भाषा प्रकाशन सभा, ये सबसे पहली जो है एक संस्था थी, राजनीतिक संस्था कह सकते हैं, जिसने लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि सबसे पहली सभा कौन सी थी जो कि स्थापित हुई थी, या राजनीतिक संस्था कौन थी, उसका कब स्थापना हुई थी। 1836 बंगाल में बंग भाषा प्रकाशन सभा। शुक्रिया, गुड आफ्टरनून, स्वागत है। गरिमा पांडे, स्वागत है आपका। चलिए देखिए, सबसे अग्रणी संस्था अगर पूछे कि सबसे पहली संस्था कौन थी, तो बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 में बंगाल में स्थापित हुई। 1838 में इसी क्रम में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी, ये जो है भारत की पहली राजनैतिक संस्था, ध्यान दीजिएगा, औपचारिक और राजनैतिक संस्था के रूप में अगर बात करेंगे तो कौन हो जाती है आपकी, लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि कलकत्ता यानी बंगाल में 1838 में स्थापित हुई। इसकी स्थापना किसने की थी, द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। इसके अन्य नेता प्रसन्न कुमार ठाकुर तथा राजा राधाकांत देव थे। क्लियर। 1843 में इसी क्रम में हमें दूसरी संस्था देखने को मिलती है, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इनके स्थान आ जाते हैं सीधे सीधे मैच कराने के लिए, क्रॉस मैच कराने के लिए, या कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है क्रम में ये आपके आते हैं। ठीक है, तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना 1843 में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा की गई। अंग्रेज जॉर्ज थॉमसन जो थे इस संस्था के एक बार अध्यक्ष, देखिए एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि जॉर्ज थॉमसन, या इस तरीके से कि बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन जिसकी स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर थे, उसमें एक बार एक अंग्रेज जो है अध्यक्ष बना, कौन था वो, जॉर्ज थॉमसन। 1851 में स्थापित संस्था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक सदस्यों में राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर और हरीश चंद्र मुखर्जी शामिल थे इसके संस्थापक संस्था में। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1800 का मेनली इनका जो संस्थापक सदस्य और ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। 26 जुलाई 1876, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इल्बर्ट बिल के विवाद को लेकर इस संस्था ने आंदोलन किया था। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, उसने जो है किस विवाद को लेकर अपना रोष प्रकट किया, तो इल्बर्ट बिल विवाद को लेकर इसने किया था। 1866 में दादा भाई नरोजी ने भारत से बाहर लंदन में क्या किया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत से बाहर संस्था के रूप में अगर स्थापित होने वाली पहली संस्था थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1874 में राघव चेरियार, सुब्रमण्यम अय्यर तथा आनंद चारलू ने मद्रास महाजन सभा स्थापना की। 1874 में, 1877 में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना में क्या किया, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सीधे सीधे पूछता है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्य कौन है या अध्यक्ष कौन थे या किसने की थी, तो महादेव गोविंद रानाडे, और इनका ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षी जी प्रणाम, स्वागत है आपका। कुछ संस्थाएं और हैं बहुत जहां से एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन लीग, इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता प्रमुख रूप से थे, लेकिन केटी तैलंग और बरुद्दीन तैयबी ये भी जो थे इसमें शामिल थे। इन तीनों को मिला के कहा जाता था मुंबई त्रिमूर्ति या त्रिमूर्ति मुंबई, बंबई मुंबई के त्रिमूर्ति के रूप में इनका नाम प्रसिद्ध था। क्विज नहीं है क्या सर आज, क्विज के लिए भी बात करेंगे, बताएंगे क्विज क्या। आज देखिए पहले तो डिटेल क्लास है, हम लोग इसी टॉपिक के जो क्विज है वो कल 10 AM पे लेके आएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक अपने आप में बड़ा है, तो इकट्ठे अगर कराएंगे तो 5-6 घंटे क्लास हो जाएगी, तो
इसलिए भी क्विज को रोका गया है इसमें। इसमें सिर्फ आपको कंटेंट उपलब्ध कराएंगे हम लोग, और कल 10 बजे हम लोग मिलेंगे कहां पर, स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। फ्री क्लासेस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल लिंक दी हुई है, उसके माध्यम से आप चलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 बजे वहां पर लाएंगे इसका पीडीएफ। कारण क्या है कि वहां पर आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा, इस क्लास की पीडीएफ भी वहां दे दूंगा मैं उसी क्लास में, और वहां पर एमसीक्यू भी कराएंगे सेम टॉपिक के। तो आज आप लोग इसको देख लीजिए, कल वहां एमसीक्यू कर लीजिएगा, तो और दोनों की पीडीएफ वही क्लास में मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ के लिए कल जरूर 10 AM पे स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा 10 बजे सुबह। वहां पर हम लोग एमसीक्यू कराएंगे इसी टॉपिक के, और उसका डिस्क्रिप्शन मेरी प्रोफाइल लिंक में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, उसके माध्यम से आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं मेन टॉपिक, जहां से हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों ने 3 चरणों बांटा हुआ है इसको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो जो 3 चरण है, उसमें पहला चरण है 1885 से लेके 1905 तक का। ठीक, चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना शुरू करेंगे इसको। बिल्कुल हो जाएगा रजनीश, आज शाम को 7:45 वाली क्लास में जरूर आइएगा, वहां पर कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, बस आप लोगों को बताएंगे यूपी पीसीएस में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है, आरओ में सीटों की संख्या कितनी है, साथ में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कंबाइंड स्ट्रेटजी, से आपके प्रीलिम्स दोनों का निकल जाए, यूपी पीसीएस का और आरओ एआरओ दोनों 2021 वाला। तो ये सब बातें करेंगे शाम को 7:30 बजे लाइव रहेंगे, तो वहां पर जो भी आप लोग के सवाल होंगे, जिस तरीके के भी क्वेश्चन होंगे, उस पर डिस्कस करेंगे शाम को हम लोग 4:30 बजे। क्लियर? अरे शाम को, सॉरी, 7:45 पे, तो जरूर जुड़िएगा आप लोग इस क्लास में। इसमें सीटों की डिटेल बताएंगे, यूपी पीसीएस 2021 और आरओ एआरओ 2021 की। तो शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। एओ ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, ना कि कांग्रेस की। 1884 में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोलकदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था। ध्यान दीजिए, पहले बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस नाम से हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हुई थी इसकी स्थापना। इस सम्मेलन में दादा भाई नरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके प्रथम अधिवेशन में कुल 27 सदस्य ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित होने वाला था, परंतु वहां पर क्या फैल गया था, प्लेग, जिसके कारण इसको बदल दिया गया, स्थल मुंबई में जो है इसका आयोजन किया गया। शरेंद्र यादव, हेलो, स्वागत है। ठीक, कुछ अधिवेशन और देख लीजिए, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता। दूसरा अधिवेशन आपका, अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, कहां हुई थी ये, कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन 1887, बरदुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने अध्यक्षता की, कहां हुआ, मद्रास। और चौथा हुआ आपका जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में, और ये कहां हुआ था, इलाहाबाद। तो चार थे जहां से बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेता है, ये पहले यूरोपियन थे, ये पहले मुस्लिम थे जो अध्यक्ष बने किसके, आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी, उत्तरी अमेरिका से हुई है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम विचार जो आया था लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया था, तो क्वेश्चन पूछता है किसके दिमाग की उपज है राष्ट्रीय कांग्रेस, तो लॉर्ड डफरिन मानसिक पिता कहलाते हैं कांग्रेस के। ये कांग्रेस संबंध में बहुत विशेष टिप्पणियां हैं, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए आप लोग कि कहां से क्या क्या किसने टिप्पणी की है, बहुत बड़ा था क्वेश्चन। डफरिन की क्या टिप्पणी, देखिए 7:45 में आपकी क्लास है ना सर, आप, हाँ 7:45 पे क्लास है, ऐप पे नहीं, यही पर होगी, वो भी यही पर, इसी चैनल पर। शुक्रिया, 7:45 वाली जो क्लास होगी वो यही पर होगी आपकी, और इसी लेट प्रेस यूपी एग्जाम पे ही मिलेंगे हम आपको, और वहां पर हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2021 में और आरओ 2021 में सीटों की संख्या वर्तमान में क्या है, और ब्लास्ट तक आते आते क्या होने की संभावना रहेगी। इसके साथ साथ इन दोनों परीक्षाओं का प्रीलिम्स निकालने की कंबाइंड स्ट्रेटजी आप लोगों की क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, डफरिन ने कहा इसके बारे में कि ये जनता के एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और जिसकी संख्या बहुत ही सूक्ष्म है। तो कांग्रेस के बारे में अल्पसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का दर्जा किसने दिया था, या किसने कहा, डफरिन ने। ऑलिव राइट टर्टल क्या कह रहे हैं,
देवी देवी रिवर उड़ीसा। चलिए भाई मैं समझ नहीं पा रहा। करजन ने क्या कहा कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस अपनी मौत की घड़ी गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरते हुए देख सकूं। ये स्टेटमेंट कांग्रेस का है, कांग्रेस के बारे में है लॉर्ड करजन का। करजन ने एक और बात बोली, गंदी चीज और देशद्रोही संगठन। तो कांग्रेस के बारे में गंदी चीज और देशद्रोही संगठन किसने कहा? करजन ने कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी का स्टेटमेंट है, कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे हैं। तिलक कहते हैं, यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट तिलक का है। लाल लाजपत राय, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला, लाल लाजपत राय ने कहा है कांग्रेस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये सारे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन यहां पर आप देखोगे, पुराने पेपर को उठाकर जरूर आपको देखने को मिलेंगे। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा 3 दिन का तमाशा, और विपिन चंद्रपाल ने कहा याचना संस्था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट थे कांग्रेस के बारे में कुछ लोगों के। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1886 में क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है घुमा के कि जो प्रथम अधिवेशन में निम्न में से कौन सा नेता शामिल नहीं था? तो कौन सा नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, क्योंकि वे अपने अलग जो संघ इन्होंने बनाया था उसकी जो है अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए ये शामिल नहीं थे। लेकिन 86 से क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हो गए। लाल लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में कहा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ये स्टेटमेंट किसका है भाई? लाल लाजपत राय का है। चार्ल्स ब्रडेला बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स ब्रडेला को भारतीय पक्ष लेने के कारण ब्रिटिश संसद में इन्हें भारत के लिए सदस्य संबोधित किया जाने लगा, यानी व्यंग करने लगे लोग इनके पर कि ये हमेशा हर बात पे। चार्ल्स ब्रडेला क्या करते थे? ब्रडेला ब्रडेला भारतीय लोगों का पक्ष लेते थे, इसलिए इनको भारत के लिए सदस्य संबोधित किया जाने लगा। ठीक है, उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के लिए ब्रिटेन में दादा भाई नरोजी की अध्यक्षता में 1887 में क्या किया? भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? दादा भाई नरोजी। कब हुई? 1887 में। कहां हुई? लंदन, यानी कि या तो ब्रिटेन या तो लंदन, ऑप्शन भी हो सकता है आपके, तो दोनों में से कोई सा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय सुधार समिति 1887 सॉरी लंदन। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1888 में। रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में आपके, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो लोग दादा भाई नौरोजी लगा के आंसर आ जाते हैं, जबकि किताब का जो किसकी है, रमेश चंद्र दत्त, कभी कभी आरसी दत्त के रूप में भी ऑप्शन वहां पर दिया रहता है। क्लियर। राष्ट्रीय राष्ट्रवादियों की प्रारंभिक सफलता के रूप में 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना तथा भारत और इंग्लैंड के में एक साथ परीक्षा की सहमति बनी। तो राष्ट्रवादी जो थे, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की उसमें शामिल हुए, उनकी जो पहली जो एक सफल जो काम हुआ उनके लिए, वो क्या हुआ? लोक सेवा आयोग की स्थापना और भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा की सहमति बनी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त। हाँ विनीत जी बिल्कुल ठीक। तो ये रहा आपका पहला चरण, बहुत इसमें कुछ खास नहीं था, बस इसमें कांग्रेस की स्थापना ही है और साथ साथ में छोटी मोटी घटनाएं जो हुई है। मेनली जहां यहां से क्वेश्चन आते हैं, कांग्रेस पूर्व जो स्थापित संस्थाओं से आते हैं। द्वितीय चरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से जो होता है मामला दूसरे तरीके से होता है कुछ। इस चरण को नौ राष्ट्रवाद या उग्रवाद का काल कहा जाता है। हाँ, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, ये दादा भाई नौरोजी की है बिल्कुल। जय हिंद सर, हाउ आर यू? आरिफ हुसैन, स्वागत है आपका। मैं फाइन हूं, आप ठीक हो? जय हिंद। इस चरण को क्या कहा जाता है? नव उदारवाद या उग्रवाद का चरण कहा जाता है। अरविंद घोष की पुस्तक भवानी मंदिर, पूछता है क्वेश्चन में कई बार भवानी मंदिर किसकी किताब है, तो अरविंद घोष की है, ध्यान दीजिएगा। तिलक ने 1893 में क्या किया? गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। इस पे इसलिए इन पे आरोप लगते हैं कि इन्होंने राजनीति के लिए धर्म का सहारा लिया। ठीक है, तो 1897 में गणपति महोत्सव, 1895 में इन्होंने जो है शुरू की, इन्होंने क्या, गणपति शिवाजी महोत्सव। रामजनक सिंह स्वागत है, कैसे हैं रामजनक? स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार का जो नारा था सर्वप्रथम किसने दिया था? तिलक ने दिया। तिलक ने केसरी, विपिन चंद्रपाल ने न्यू इंडिया तथा लाला लाजपत राय ने पंजाब केसरी नामक जो है पत्र निकाले और उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। तीनों किताबों का नाम देख लीजिए, केसरी किसका है? तिलक का। न्यू इंडिया विपिन चंद्रपाल, तथा पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। एनी बेसेंट ने कहा कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है और बढ़िया है। ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछा गया एग्जाम में,
कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर और बढ़िया किसने कहा है, एनी बेसेंट का जो स्टेटमेंट है भारतीय सभ्यता के बारे में। अब हम लोग दूसरे चरण में देखेंगे क्रांतिकारी आतंकवाद जो घटनाक्रम वहां पर शुरुआत हुई, तो उसका प्रथम चरण माना जाता है 1905 से लेकर 1919 के बीच में जो घटनाक्रम होता है उसे क्रांतिकारी आतंकवाद के नाम दिया जाता है। इसकी शुरुआत कहां से होती है, कैसे क्या चलता है, इसको देखेंगे हम लोग फटाफट। इसकी शुरुआत अगर क्रांतिकारी आतंकवाद की अगर देखेंगे भारत में या क्रांतिकारी घटनाओं की, तो हमें कहां से देखने को मिलती है, महाराष्ट्र से। तो एक एक करके जहां जहां जो घटनाएं हुई इसको देखेंगे क्लियर कट तरीके से ताकि आप लोगों तक चीजें पहुंचे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 में महाराष्ट्र से मानी जाती है, यही से भारत में क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत देखने को मिलती है। 1881 में, 1891 में पेश की गई विद्रोह समिति की रिपोर्ट में महाराष्ट्र के पुणे जिले के चित्पावन ब्राह्मणों ने भारत में क्या किया था, आतंकवाद की शुरुआत करने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। ओके रामजनक जी, चलिए बढ़िया है। ठीक है, तो पूछा गया है किसने शुरुआत की, चित्पावन ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के, उन्होंने भारत में आतंकवाद की शुरुआत की। चापेकर बंधु जो थे उन्होंने क्या किया, प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की जो है हत्या कर दी थी, यही से मानी जाती शुरुआत। और क्रांतिकारी गतिविधियों की ये नींव डालने वाली घटना थी जहां पर प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की जो है हत्या करते हैं, कौन, चापेकर बंधु, ये चित्पावन ब्राह्मण थे महाराष्ट्र की, और यही से क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत भारत में हो जाती है। चापेकर बंधु हिंदू धर्म संघ से जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक एक क्रांतिकारी संस्था थी जो तिलक, बाल गंगाधर तिलक की जो है प्रेरणा से स्थापित हुई थी। पूछ सकता है क्वेश्चन, आर्य बांधव समिति कहाँ वह स्थापित हुई, पहली बात महाराष्ट्र में हुई, किसकी प्रेरणा से स्थापित हुई, बाल गंगाधर तिलक के। अभिनव भारत समाज की स्थापना वीडी सावरकर, बहुत बड़ा आता है क्वेश्चन, विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में की थी, यह प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी। ध्यान दीजिए, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की प्रथम क्रांतिकारी संस्था कौन थी, तो अभिनव भारत समाज जिसकी स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में की थी। लाल बाल पाल, बिल्कुल अभिनंदन चौहान, स्वागत है आपका। वीडी सावरकर ने 1899 में क्या किया था, एक मित्र मेला नामक संस्था स्थापित की थी, वही आगे चलकर क्या बन गई, अभिनव भारत समाज। 1899 में स्थापित मित्र मेला जिसके संस्थापक कौन थे, वीडी सावरकर, वही 1904 में जाके अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हो गई। गुड आफ्टरनून। अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम जैक्सन की हत्या कर दी थी, ये घटना कहां हुई, महाराष्ट्र की है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं बंगाल में, बंगाल में देखते हैं क्या क्रांतिकारी घटनाएं हुई इस क्रम में। 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना हुई जो कहां हुई थी, मिदनापुर में, और आनेन्द्र नाथ बसु तथा कलकत्ता में जिसकी स्थापना हुई उसके संस्थापक कौन थे, जतिन नाथ बनर्जी और बारिंद्रनाथ बोस। तो कलकत्ता में जो अनुशीलन समिति थी उसके संस्थापक कौन थे, जतिन नाथ बनर्जी, बारिंद्रनाथ घोष, और उसके साथ जो समिति अनुशीलन समिति की जो शाखा मिदनापुर में स्थापित हुई थी इसके संस्थापक कौन थे, आनेन्द्रनाथ बसु। क्लियर। कुछ संस्थाएं, सॉरी कुछ पत्रिकाएं हैं जो किससे रिलेटेड हैं आपकी, क्रांतिकारी गतिविधियों से, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका जो है क्रांतिकारी पत्रिका थी, तो उसको देख लीजिए आप लोग। संध्या, संध्या के लेखक कौन थे, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, वंदे मातरम अरविंद घोष, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक, ये पत्रिकाएं किससे रिलेटेड थी, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों से। बंगाल के क्रांतिकारियों की पहली पीढ़ी में हेमचंद्र कानूनगो का नाम आता है, इन्होंने पेरिस में एक रूसी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा कलकत्ता के मणिकतल्ला में बम बनाने का एक कारखाना स्थापित किया। बहुत बार पूछा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बंगाल क्रांतिकारी कौन थे, हेमचंद्र कानूनगो, और इन्होंने ही कलकत्ता में मणिकतल्ला नामक स्थान पर क्या किया था, बम बनाने का कारखाना जो है स्थापित किया। प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस मजिस्ट्रेट किंग फोर्ड की हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किए गए थे, बंगाली घटना है ये। मणिकतल्ला में गिरफ्तार लोगों पर अलीपुर षड्यंत्र नाम से जो है केस चलाया गया था, जो जहां पर बम बनाने कारखाना स्थापित किया था इन लोगों ने। जतिन नाथ मुखर्जी को बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है, कई बार ये भी पूछ चुका है क्वेश्चन। हाँ, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार, और प्लीज अपने जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर शेयर कर दिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं और लोगों तक पहुंच जाए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो है आप लोग सवेरे सुबह 10 AM पर आप लोग अन अकेडमी लर्निंग ऐप वाले डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका प्रोफाइल लिंक मेरा दिया हुआ है,
अनअकैडमी लर्निंग ऐप की स्पेशल क्लास पे आ जाइएगा। ये क्लास फ्री होगी आप लोग के लिए, और वहां पर मैं इसकी भी पीडीएफ और साथ में इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू वहां कराऊंगा सुबह 10 बजे। तो जरूर जुड़िएगा आप लोग सुबह 10 बजे, ताकि आप लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू मिल जाए और इस क्लास की भी पीडीएफ वहां मिल जाए, क्योंकि यहां पर यूट्यूब पे पीडीएफ देने का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो वहां जुड़ेंगे तो मैं उसी पर्टिकुलर क्लास में अपलोड किए रहूंगा इसकी पीडीएफ भी, और साथ में आप वहां से इसी टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सब लोग। क्लासेस फ्री हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रशांत शुक्ला के नाम से प्रोफाइल लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राज बिहारी बोस ने कलकत्ता, श्याम कृष्ण मूर्ति प्रणाम, स्वागत है आपका। राज बिहारी बोस ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बम फेंका था। कई बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है, किसने राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? तो राज बिहारी बोस थे वो। अनुशीलन समिति की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ थी भाई? ढाका में अवस्थित थी, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर पुकारा था। कई बार आ चुका है क्वेश्चन ये, इसका आंसर बहुत कम लोग जानते हैं कि किसने जो है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था, तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने कहा था, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। पंजाब में क्या घटनाएं हुई थी उसको देख लेते हैं एक बार। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहिब्बिन वतन नामक जो है एक संस्था की स्थापना की, तथा भारत माता नामक अखबार, ये कई बार पूछ चुका है, भारत माता अखबार किसका था? अजीत सिंह का था, और ये पंजाब से निकलता था, और अंजुमने मोहिब्बिन वतन एक संस्था की स्थापना भी इन्होंने की थी। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां क्या क्या हुई देखिए एक बार जरूर तेजी से। भारत के बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी संस्था कौन थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसके प्रमुख अन्य सदस्य थे वीडी सावरकर, हरदयाल और मदन लाल ढींगरा। इन लोगों ने मिलकर जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत से बाहर ये पहली ऐसी संस्था थी जहां जो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। क्लियर। इस सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका निकाली। तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि किस संस्था की था ये, और इनका नाम भी पूछ लेता। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे इसके संपादक थे, किसके? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इंडियन हाउस की भी एक स्थापना की लंदन में ही। मदन लाल ढीगरा ने कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा की अन्य सहयोगी कौन थी? एक मैडम भिखाजी कामा, जिन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने क्या किया, तो 1907 में स्टुटगार्ट जो जर्मनी में है वहां पर भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिया, तथा तो हरा पीला और लाल रंग का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली महिला थी ये, जो कि विदेशी धरती स्टुटगार्ट जर्मनी में उन्होंने किया, और इन्हें भारतीय मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है इनको। ठीक है, अब महत्वपूर्ण घटना हुई आपकी, गदर पार्टी। सदगुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, बिल्कुल विनीत जी, गदर पार्टी, इसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए जरूर से आप लोग। नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। ध्यान दीजिए असली नाम क्या है गदर का, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, गदर नहीं, ठीक, की स्थापना की। इस संस्था ने कालांतर में अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, पंजाबी एक साथ जो है गदर या हिंदुस्तान गदर के नाम से एक पत्रिका निकाली। और ये किसकी उस याद में निकलती थी पत्रिका? 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसकी याद में या उसकी स्मृति में। और पूछ सकता है क्वेश्चन कि गदर का ओरिजिनल नाम क्या था? द हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। बस किसने स्थापना की थी? सोहन सिंह भाखना। गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन का नाम जो है गदर आंदोलन पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी तथा पथ प्रदर्शक व जनक भी माने जाते हैं। लेकिन पूछता है कि मानसिक पुत्र मतलब गदर आंदोलन का मानसिक पिता कौन था? तो सोहन सिंह भाखना, और मनीषी पथ प्रदर्शक और जनक का अगर सवाल आता है तो लाला हरदयाल। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की। कई बार एग्जाम्पल पूछ चुका है एग्जाम में कि गदान जो है सैन फ्रांसिस्को जो था, अरे सॉरी आपको युगांतर आश्रम था वो कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में अवस्थित था, ये गदर आंदोलन संबंधित एक आश्रम था, यही से जो है इसकी गतिविधियों का संचालन किया जाता था। गदर अखबार के कुछ अंक जो है उर्दू और गुरमुखी में भी प्रकाशित हुए।
लाला हरदयाल, भाई परमानंद और रामचंद्र गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल में 1915 में क्या की थी, एक अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। और इनमें इसमें क्या किया, इसने अपने जो साथी थे बरकतुल्ला, उन्हें क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, खुद राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, तो किसका सहयोग था, किस देश का, जर्मनी का, कहां पर, अफगानिस्तान के काबुल में, राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने खुदाई सेना की स्थापना की तथा मौलवी उबेदुल्ला से संधि कर रेशमी रुमाल षड्यंत्र भी रचा थे। पूछा जाता रेशमी रुमाल षड्यंत्र से कौन जुड़े हुए थे, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह खुदाई सेना से भी ये जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला क्रम आता है आपका बंगाल विभाजन का। बहुत तेज तो नहीं हो जा रहा, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूं ताकि पूरा हो जाए। धीमे करूं कि ठीक है भाई। तेज है, तेज हो जा रहा है। बता दीजिए उसी हिसाब से चलेंगे, लाइक भी कर दीजिए जरूर आप लोग। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तेज चलाना है कि धीमे करना, थोड़ा लिख दीजिए समझ में आ जाएगा मुझे। तो लाइक कर दीजिए अपने, आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। शाम को 7:45 वाली क्लास जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगी, मोटिवेशनल क्लास है ये, इसमें आपको मिलेगा। क्लास सही चल रही है, ओके ठीक है। चलिए तो इस 7:45 PM की क्लास लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम इसी चैनल पे आपको मिलेगी, जहां पे हम लोग यूपीपीसीएस आरओ आरओ की सीटों की डिटेल के बारे में बात करेंगे, साथ में कंबाइंड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोनों परीक्षाओं के संदर्भ में। सही है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो लाइक भी कर दीजिएगा और एक अपने 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 प्लेटफॉर्म पर जो भी आपके सोशल मीडिया के, प्लीज शेयर करते चलिए। लंबी क्लास है तो मैं शेयर तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं तेजी से पढ़ा रहा हूं, तो इस काम को आज आप लोग कीजिए मेरी तरफ से प्लीज। चलिए, तो बंगाल विभाजन 1905, लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन की घटना घटी। बंगाल प्रेसिडेंसी तत्कालीन प्रेसिडेंसी की सबसे बड़ी थी, इसमें पश्चिमी और पूर्वी बंगाल समेत बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। तो क्या क्या शामिल था उस समय के बंगाल में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, साथ में बिहार उड़ीसा, ये सब मिलाकर बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाती थी और सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी उस समय की हुआ करती। सर थैंक यू संध्या जी, लाइक के साथ शेयर भी कर दीजिए। असम जो है वो बंगाल से 1874 में ही क्या हुआ था, अलग हो चुका था। एक बार क्वेश्चन यही आया था कि बंगाल विभाजन से पहले ही कौन सा एक जिला, कौन सा एक राज्य जो है पहले से ही बंगाल से अलग था, तो आंसर क्या था उसका, असम। पीसीएस 2019 में ही आया था क्वेश्चन ये। सर थोड़ा सा धीमे कर दीजिए, चलिए थोड़ा सा धीमे कर देते हैं, ठीक है, वैसे भी धीमे हो जाएगा। देखिए शुरू शुरू में क्या था, आदमी तेज तेज बोलता है, फिर धीरे धीरे धीमे हो जाता है, तो वो तो वैसे भी होना था, लेकिन थोड़ा सा स्पीड इसलिए रख रहे हैं सुप्रिया क्योंकि ताकि पूरी क्लास आप लोग को मिल जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 5 बजे तक खत्म हो जाए, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर वाकई में ऑफलाइन तक में पढ़ाया जाए, तरीके से पढ़ाया जाए, 5 से 6 दिन लगता है इसको करने में। आप आइए तो सही, सब चीज यूपीपीसीएस कभी नहीं बताता सीट क्लियर, कभी भी नहीं बताता, कुछ चीजें होती हैं जानकारी हो जाती, कुछ लोग हैं, कुछ मित्र हैं जो आरओ यारो हैं आयोग में, तो कुछ सूचना जानकारी दे देते हैं, तो उसी के माध्यम से आप लोगों को बता देते हैं भाई, ठीक है, और कुछ नहीं है ऐसा। ऑफिशियल कभी सीटों का डिक्लेरेशन नहीं होता, बहुत कम पता लग पाता है, एग्जैक्टली आयोग कभी नहीं बताता, ठीक है, तो आइए जुड़ेगा तब बताएंगे आपको शाम को उस क्लास में। तो असम जो है बंगाल से 1874 में अलग हो चुका था, 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ, बंगाल के विभाजन का निर्णय की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक संपन्न हुई जिसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसकी डेट देख लीजिएगा, पूछा जाता है कि स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन का जो प्रस्ताव था कब पारित हुआ, तो 7 अगस्त 1905 को। थैंक यू सुप्रिया। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की जो योजना थी वो क्या हुई, प्रभावी हुई। बंगाल के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम मिलाकर जो है एक नया प्रांत, जो असम पहले से अलग था, अब असम को क्या किया गया, पूर्वी बंगाल के साथ मिलाकर एक नया प्रांत बना दिया गया। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल बना जिसमें बिहार और उड़ीसा मिलकर एक नए प्रांत का इन्होंने रूप लिया। 16 अक्टूबर 1905 को क्या है,
शोक दिवस मनाया गया बंगाल विभाजन के दिन, शोक दिवस। विभाजन पर गोखले ने कहा, यह एक निर्मम भूल है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिराई, सब स्टेटमेंट है, पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कि किसने कहा कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार का जो है अनुरोध किया गया और स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना हुई, और जो है उसके किसने की थी, अश्विनी कुमार दत्त ने जो है स्वदेश बांधव या स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना के संस्थापक है इसके। ये नमस्कार, स्वागत है कल्पना मिश्रा। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षक पार्टी की स्थापना हुई, राष्ट्रीय शिक्षक पार्टी 15 अगस्त 1906। आचार्य पीसी राय ने क्या किया, बंगाल केमिकल्स की स्थापना की। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह सब क्यों हो रहा था, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षक पार्टी 1905 यह भी क्यों बनी थी, जो है जो विदेशी शिक्षा है उसको बहिष्कार करना है और जो देशी शिक्षा है उसको बढ़ावा देना है भाई। टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला जो है गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबल भी दिया गया था। क्लियर। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं महिला जो थी पर्दे से बाहर आकर उन्होंने धरना प्रदर्शन देना शुरू किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किस आंदोलन के समय महिलाएं घर से बाहर निकलकर आंदोलन का हिस्सा बनी, तो कब, स्वदेशी आंदोलन के समय जब बंगाल विभाजन हुआ था। किसान व बहुसंख्यक समुदाय आंदोलन से दूर रहे, कौन कौन, किसान और बहुसंख्यक समुदाय इस आंदोलन से दूर थे। महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण जो हुआ था वो बंगाल विभाजन के उपरांत ही हुआ। मतलब भारत जो है, भारत के लोग जो है वास्तविक रूप से एकजुट और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कब होते हैं, गांधी जी के अनुसार जब बंगाल विभाजन हो जाता है तब। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1906, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर क्या हुआ, उदारवादियों और उग्रवादियों में विरोध उत्पन्न हो गया, लेकिन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर विवाद को यहां फिलहाल समाप्त कर दिया गया। आगे क्या होता है, कलकत्ता के इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, ध्यान दीजिएगा चारों का नाम ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से जुड़े चार प्रस्ताव पारित करवा लिए। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। पूछा जा चुका क्वेश्चन कि किस अधिवेशन में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का उल्लेख किया है, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कई बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन ये आपके। सूरत में कांग्रेस का जो विघटन या कांग्रेस का विभाजन जो होता है 1907, यहां के महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे एक बार हम लोग। यह विवाद 1905 के वाराणसी अधिवेशन से शुरू हो चुका था। उग्रवादी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ये भी ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सूरत विभाजन हुआ उसमें किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे। स्टक बीच बीच में हो रहा, नेटवर्क का इशू होगा, सही हो जाएगा, बंद करके दोबारा खोल लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो ध्यान दीजिए, उग्रवादी जो थे, उग्रवादी दल के नेता जो थे वो लाला लाजपत राय को जो अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और वही जो उदारवादी दल के नेता थे वो रास बिहारी घोष को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः राज बिहारी घोष जो है अध्यक्ष बनने में सफल हो गए और यही से क्या होता है, सूरत विभाजन हो जाता है, उग्रवादी या उग्रवादी दल के जो लोग होते हैं वो अलग हो जाते हैं। यह अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को सूरत की ताप्ती नदी के किनारे हुआ। 1908 में इलाहाबाद में आयोजित जो अगला इनका अधिवेशन था कांग्रेस का, वहां पर क्या हुआ, कांग्रेस का एक नया संविधान बनाया गया और उग्रवादियों पर क्या 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बना, तो इलाहाबाद अधिवेशन 1908 में, और यही पर क्या हुआ, जो उग्रवादी दल थे उन पर 7 साल का कड़ा प्रतिबंध लगा दिया, उनकी एंट्री बैन कर देगी कांग्रेस में। इंटरनेट इशू हो रहा है सबके, क्या हो रहा है क्या भाई, नो ओके चलिए ठीक है आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1 अक्टूबर, अच्छा नहीं सही है ठीक है चलिए, 1 अक्टूबर 1906
को क्या हुआ, आगा खां के नेतृत्व, इसको सच्चे समझ लीजिए, यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है? तो चलिए बहुत बढ़िया। तो 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से कहां मिलता है, शिमला में जाके मिलता है। ढाका के नवाब सलीमुल्ला के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसकी अध्यक्षता में? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में। सलीमुल्लाह खां भी थे मुस्लिम लीग में? हाँ भाई, अरे उन्हीं के तो अध्यक्षता में देख रहे स्थापना हुई है। इसके प्रथम अध्यक्ष, देखिए यहां पर बात समझिएगा, यही मैं यही बार बताऊं जो कंफ्यूजन कहां होता है, इनकी अध्यक्षता में क्या होती है, इनके जो है इनके अध्यक्षता नेतृत्व में क्या होता है, अखिल भारतीय मुस्लिम की स्थापना होती है, लेकिन इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं, बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन तथा नवाब सलीमुल्ला जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष। दोनों को अंतर समझिएगा, यही भी कंफ्यूजन होता है। जो संस्थापक अध्यक्ष थे कौन थे, नवाब सलीमुल्ला, और प्रथम रेगुलर अध्यक्ष कौन बनाए गए, बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। यही पे कंफ्यूजन, तो गलतियां ही तो होती है सर जी। सर पर पीपीटी चेंज होने पर थोड़ा सा डार्क वाइट से 60 लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, अब आज की ऐसी बन गई, मैं आगे से बोलूंगा कि इस चीज को उन्होंने कुछ नया बना दिया बनाने वाले ने, चेंज होने में थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ फ्लक्चुएशन चेंज होने पर आपको लग रहा है, अभी तत्काल तो मैं इसमें देखिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आगे से इसको रखूंगा ध्यान, ठीक है? फ्लो में आए, चेंज होने पर वो ब्लैक व्हाइट हो रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ आप लोग को। अगला है मार्ले मिंटो सुधार, क्या घटना हुई इसमें देखिए, इसमें लॉर्ड मिंटो कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल, और मार्ले कौन थे, भारत के सचिव थे। इसको ध्यान दीजिएगा, पर क्वेश्चन यही पूछ दिया था कि मार्ले मिंटो में मार्ले कौन थे, तो मार्ले थे भारत सचिव, और मिंटो कौन थे, गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मिंटो, मार्ले भारत सचिव। मार्ले मिंटो सुधार की संकल्पना में गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह जो है उसको स्थान दिया गया था। यह भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 था उसमें भारतीय एक थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनकी सलाह को महत्व दिया गया था, इनकी सलाह को तवज्जो दिया गया था, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका सबसे बड़ा जो पक्ष था वो क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, इसीलिए इसकी आलोचना भी होती है, और ये सबसे बड़ा जो है कारण भी बना आगे चल के भारत पाकिस्तान विभाजन का। मिंटो ने लिखा, याद रखना यह पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत ही कड़वी होगी। किसका स्टेटमेंट है ये, मिंटो का, किसके लिए, 1919 के अधिनियम में जो इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की थी उसके संदर्भ में ये कहा इन्होंने। दिल्ली दरबार 1911, सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत के आगमन पर यह आयोजित किया गया दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार में ही 22 दिसंबर 1911 को क्या हुआ, सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की डेट भी देख लीजिएगा 12 दिसंबर 1911, और इसी तिथि को दिल्ली को क्या किया गया, कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई। क्लियर? अगला घटनाक्रम है कमाटा गरु प्रकरण 1914, यहां पे देखिए क्या क्या हुआ। यह प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित एक विवाद है। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने आने पर प्रवेश पर वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आते थे, तो प्रतिबंध लगाया था कनाडा गवर्नमेंट ने। 35 भारतीयों के कनाडा में प्रवेश मिलने से उत्साहित सिंगापुर के एक भारतीय गुरदीप सिंह ने कमाटा गारू नामक एक जहाज किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ कनाडा की ओर प्रस्थान किया, परंतु उनके वैंकूवर पहुंचने से पहले ही कनाडा की सरकार ने क्या किया, प्रतिबंध दोबारा लगा दिया। अंगूर खा लूं, क्यों, क्या हो गया, अंगूर खा लूं, ऐसी क्या बात हो गई, आरिफ हुसैन जी अंगूर अंगूर क्यों खिला रहे हैं मुझे, ठीक है? जैसे ही रास्ते में थे तभी क्या हुआ, कनाडा सरकार ने पुनः यह प्रतिबंध स्थापित कर दिया। फिर क्या हुआ, यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहन लाल पाठक की अगुवाई में क्या बनी, सोर कमेटी। ध्यान रखिएगा इस चीज का, सोर कमेटी किससे संबंधित थी,
आपकी जो कमाटा गारू प्रकृति था उसे संबंधित थी, और उसमें तीन लोग शामिल थे, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक। जहाज के बजबज यानी बजबज कहाँ है, कलकत्ता में है, पहुंचने पर यात्री और पुलिसों में संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री क्या हुआ मारे गए और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। यही मुख्य मुद्दा था यहां पर ले देके, और कुछ नहीं था कमाटागारू प्रकरण। महत्वपूर्ण लखनऊ पैक्ट, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 1916 में लखनऊ में यह हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता, इनके अध्यक्ष का नाम कई बार पूछ चुके एग्जाम में, अंबिका चरण मजूमदार। इससे पूर्व निष्कासित कांग्रेसियों को क्या है, वापस जो है कांग्रेस में शामिल किया गया, तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण कार्य हुए, एक तो जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में सूरत में, वो समाप्त हो गया, और वहां कांग्रेस के जो उग्रवादी और नरमवादी दल के नेता थे वो सब शामिल हो गए, एक साथ हो गए। दूसरा, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी उसके बीच में लखनऊ समझौता हुआ, एक दूसरे के सहयोग की बात जो है अब यहां पर होनी शुरू हो गई। इस समझौते के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिमों के लिए क्या हुआ, पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग थी उसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। जो बात 1919-9 में उठी थी उसको कांग्रेस ने अब जो है मान लिया कि ठीक ऐसा होना चाहिए। इस अधिवेशन में उग्रवादियों तथा उदारवादियों को पुनः एक करने में किसकी किसकी भूमिका थी, तिलक और एनी बेसेंट की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही। किस चीज में, जो उग्रवादी दल थे और जो उदारवादी थे उनको एक बनाने में, दोनों में संगठन को मजबूत करने के लिए तिलक और एनी बेसेंट की संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। अगला है आपका होम रूल आंदोलन, महत्वपूर्ण। तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर भारत में होम रूल लीग की स्थापना की शुरुआत की। इसकी योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी, जो आयरलैंड के एक आंदोलन पर आधारित थी। इसकी व्याख्या एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ में जो है की है। किसकी, होम रूल आंदोलन की व्याख्या उन्होंने कहां की है, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ किसका पत्र है, एनी बेसेंट का। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे, हाँ, बिल्कुल, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक के 5 महीने बाद, देखिए एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो शुरुआत थी वो बाल गंगाधर तिलक की थी, ठीक। उनके 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपने लीग की स्थापना की, जहां तिलक के लीग का कार्यक्षेत्र कहां कहां था, कर्नाटका, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था, वही शेष भारत पर एनी बेसेंट का प्रभाव था होम रूल आंदोलन के संदर्भ में। लीग की सर्वाधिक शाखाएं कहां थी, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएं कहां थी, मद्रास में थी, लेकिन सर्वाधिक सक्रियता जो इसकी थी कहां थी, मुंबई और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तथा गुजरात में थी, ठीक। तो शाखाएं सर्वाधिक इसकी कहां थी, मद्रास में। एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवील और न्यू इंडिया में तथा तिलक ने मराठा और केसरी में जो है इसका प्रचार प्रसार किया है, होम रूल संस्था का। जॉर्ज अरुणडेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉर्ज अरुणडेल होम रूल लीग संगठन के सचिव थे। इसका मुख्यालय कहां था, अड्यार, मद्रास। ध्यान दीजिएगा ये दोनों चीज, जॉर्ज अरुणडेल इस संगठन के सचिव थे और इसका मुख्यालय अड्यार, मद्रास कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या फ्री मिल रहा है विनीत सिंह जी, क्लास शेयर कर दीजिए तो थोड़े और लोग फ्री में जुड़ जाएं, सही रहेगा ना। एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग अपने प्लेटफॉर्म पर, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। नॉलेज फ्री मिल रही है, चलिए भाई नॉलेज तो फ्री ही होनी चाहिए, मेरा जो मानना है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी संस्था किसकी है, गोपाल कृष्ण गोखले की। क्वेश्चन पूछ चुका है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी संस्था के संस्थापक कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, कि गोपाल कृष्ण गोखले की जो सोसाइटी संस्था थी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो सदस्य थे उनको लीग में प्रवेश की अनुमति इन्होंने नहीं दी थी, रोक लगा रखी थी। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, और इसके विरोध में सर सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या हुआ, अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। 1917 में एनी बेसेंट
कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और पहली महिला अध्यक्ष कहलाई ये कांग्रेस की। हाँ वयोवृद्ध पुरुष थे, ग्रैंड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या सुधार। ओके हेडिंग छूट गई, लेकिन ये हेडिंग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या सुधार, हेडिंग छूट गई, हेडिंग है ये, ठीक है। इसे उदारवादियों ने भारत का क्या कहा, मैग्ना कार्टा कह के बुलाया 1919। तिलक ने असंतोष और निराशाजनक एक बिना सूरज का सवेरा कहा, किसे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को तिलक ने क्या कह के बुलाया, कहा कि निराशाजनक और एक बिना सूरज का सवेरा है ये, और उदारवादियों ने क्या बोला, मैग्ना कार्टा। 1919 में के सुधारों को लेकर कांग्रेस में उत्पन्न मतभेद के कारण क्या हुआ, कांग्रेस का फिर से विभाजन हो गया भाई, ठीक है। जो 1916 में एक हुए थे, 1919 में आके दोबारा से पुनः विभाजन जो है हमें कांग्रेस का देखने को मिलता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में क्या हुआ, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने इसका स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर, इस बार क्या हुआ, उदारवादी पिछली बार उग्रवादी जो थे वो बाहर हुए थे, इस बार क्या हुआ, उदारवादी दल के जो नेता थे वो बाहर निकल गए, क्योंकि इनकी संख्या कम हो गई थी और अब जो है उग्रवाद या क्रांतिकारी आतंकवाद के जो लोग थे वो ज्यादा उनकी उससे प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की नेतृत्व में कांग्रेस से के उदारवादी नेता इसका स्वागत कर कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की उन्होंने स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, और ये किस आधार पर की गई, जब ये कांग्रेस से अलग हुए। 1919 के अधिनियम में संवैधानिक सुधार 1921 में लागू हुआ, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई, 1919 के अधिनियम में, कहां पर, प्रांतों में। इसके द्वारा पहली बार भारतीय विधानमंडल को क्या हुआ, बजट पास करने का अधिकार दिया गया। यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने का सबसे पहला मौका कब दिया गया, तो 1919 अधिनियम के तहत। इसके द्वारा क्या किया गया, एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, प्रावधान किया गया, 1926 में हुई स्थापना। तो खैर, इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार कर दिया गया और इसमें सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया, गैर ब्राह्मणों को। बिल्कुल, इस टॉपिक से ही अगर मॉडर्न हिस्ट्री है तो मान के चलिए, अगर मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 15 सवाल आए हुए हैं ना, तो मैं बता सकता हूं आपके 10 के आसपास जो क्वेश्चन होंगे सिर्फ इसी टॉपिक से होंगे, इसीलिए टॉपिक पर्टिकुलर लेके ही आया हूं मैं आपको। पूरे 5 से सारा मॉडर्न हिस्ट्री और अकेले 10 से यहां से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग जरूर इस टॉपिक को कर लीजिए। और कल जो है 10 AM पे क्लास जरूर आएगी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, वो भी क्लास फ्री रहेगी आप लोग के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी PDF आप लोगों तक पहुंचा दूं, तो PDF लेने के लिए आप इस 10 बजे वाली क्लास में जरूर आ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल लिंक है मेरा प्रशांत शुक्ला के नाम से, नहीं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके UPPSC एंड UPSSSC सेक्शन में प्रशांत शुक्ला सर्च करके मेरी प्रोफाइल को आप लोग फॉलो कर लीजिए। ये क्लासेस भी फ्री होंगी जो कल 10 बजे लेके आऊंगा मैं, और इसमें क्या करूंगा, मैं इसी टॉपिक के MCQ भी रखूंगा और उसके साथ साथ जो ये क्लास मैं करा रहा हूँ इसका PDF भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो इन दोनों काम के लिए आप बस कल 10 बजे वाली क्लास में, सुबह 10 AM पर आएगी क्लास, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो PDF आप लोगों को डाउनलोड करने का वहां पे ऑप्शन आता है क्लास के 10 मिनट बाद, PDF डाउन, तो आप इसी टॉपिक से रिलेटेड MCQ भी वहां हम लोग कर लेंगे और साथ साथ में क्या करेंगे, इसकी PDF भी वहां पे आपको उपलब्ध करा देंगे, क्लियर। चलिए, तो ये सब है स्थिति, नहीं तो आनंद आने के लिए ही बात कर रहे हैं, बता रहे हैं तरीका आपको ना। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल लिंक है मेरी प्रशांत शुक्ला के नाम से, उसको टच करेंगे आप तो सीधे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे पहुंच जाएंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके UPPSC एंड UPSSSC सेक्शन में मेरा नाम सर्च कर लीजिए, प्रशांत शुक्ला। और अगर पहले से आप डाउनलोड कर लेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक टच करेंगे तो आप सीधे मेरी क्लास में पहुंच जाएंगे। जब आप क्लास में पहुंचेंगे, मेरी प्रोफाइल पहुंच जाएंगे, तो प्रोफाइल पे मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। तो वहां पर क्या होगा, कल 10 बजे मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक क्लास 10 AM पर। इस 10 AM की जो क्लास पे मैं क्या करूंगा, इसका PDF भी वहां पे अपलोड किए रहूंगा, तो आप लोगों को क्लास के बाद इस पूरी क्लास का PDF मिल जाएगा। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक से जो पूरा टॉपिक ये करा रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, इसके जो इंपॉर्टेंट MCQ हैं उस MCQ को भी वहां सॉल्व कर लेंगे उस क्लास में। तो दोनों चीज की PDF आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, आइएगा जरूर, नहीं तो क्या होगा कि बाद में फिर PDF के लिए परेशानी होगी, और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास PDF देने का आप लोगों को, यही तरीका एक है।
क्योंकि यहां पे क्लासेस पीपीटी के रूप में चलती हैं और यहां से पीडीएफ भेजने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास। तो दो तरीके हैं, एक तो आप लोग क्लास में आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी अपलोड होने में दिक्कत होती है, लेकिन जो मैंने तरीका भी बताया आप लोग उसके माध्यम से आप लोग जरूर जुड़ेंगे, तो आप लोग को पक्का है ये क्लास खत्म होते ही आपको पीडीएफ तुरंत 10 मिनट बाद मिल जाएगी, ऑटोमेटिक होता है वहां पे, ठीक है। तो कल 10 AM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्पेशल क्लास फ्री है सबके लिए, कोई चार्ज नहीं है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा इस पे। अगर वहां पर अनलॉक करने के लिए कोड मांगे तो मेरा कोड यूज कीजिएगा PS10 अनलॉक करने के लिए, तो क्लास अनलॉक हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। और अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए भी आप मेरा कोड PS10 यूज कीजिएगा, आप लोग को 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरे क्रेडिट्स भी थोड़े से बढ़ जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं सबसे बड़ा टॉपिक, जो इसका इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है, कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से लेके 1947 तक का, इसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें गांधी युग को पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे इसके बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 से लेकर 1948 तक, यानी 1869 में जन्म हुआ और 1948 में इनकी 48 में मृत्यु हो गई। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, इसी आधार पर जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है, आप लोग का ध्यान दीजिएगा, इनके वापसी के उपलक्ष्य में ही जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले इनके क्या थे? राजनैतिक गुरु माने जाते हैं। गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया, क्यों? क्योंकि 1900 जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय पर ये अंग्रेजों की सहायता के लिए लोगों से अपील कर रहे थे कि सेना में भर्ती हो, इसलिए इन पे आरोप लगा, इनका नाम भी कहा गया कि ये भर्ती कराने वाले एजेंट है, आते आते ही काम शुरू कर दिए। 1915 का समय कैसा समय था? विश्व युद्ध हो रहा था, और आते ही इन्होंने सबसे पहले यही काम करना शुरू किया कि लोगों को अपील करने लगे कि तुम लोग सेना में शामिल हो जाओ, तो इनको इस नाम से पुकारा जाने लगा। गांधी जी ने भारत आने पर 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम जो है स्थापित किया। 1919 में गांधी जी ने हिंद स्वराज जो है पुस्तक लिखी, एक बार इनका ईयर पूछ चुका है, ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के किस साल लिखी गई? 1909। चंपारण सत्याग्रह, पहली बार गांधी जी ने भारत में एक सफल सत्याग्रह का आयोजन किया, और इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्होंने इनको महात्मा की उपाधि प्रदान की चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही। खेड़ा सत्याग्रह, भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? क्वेश्चन इस तरीके से पूछ चुका है, पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह। और पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों चीजों में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसमें क्या क्या हुआ? मार्च 1918 में प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिकों और मजदूरों में विवाद हुआ, मजदूरों को 20% बोनस नामंजूर था और 35% बोनस की मांग कर रहे थे। 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने खुद क्या हुआ, भूख हड़ताल शुरू कर दी और मजदूरों को 35% बोनस दिलवाकर आंदोलन को सफल बनवा दिया। एक बार ये पूछा कितने परसेंट बोनस जो है डिमांड कर रहे थे मजदूर? 35%, ध्यान दीजिएगा। अगला घटनाक्रम है रोलेट एक्ट। न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, कब? 1917 में, जिसकी अनुशंसा के आधार पर 1919 में एक विधेयक पारित किया गया और 17 मार्च 1919 में इसे ही रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, ठीक है। तो रोलेट एक्ट के जो अध्यक्ष थे कौन थे? सिडनी रोलेट। 17 मार्च 1919 में इस एक्ट को पारित किया गया, इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का काला कानून भी कहा गया। गांधी जी ने इसके विरोध में क्या किया? सत्याग्रह सभा की स्थापना की, ध्यान दीजिएगा, सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी ने किसके विरोध में की थी? रोलेट एक्ट के विरोध में। 9 अप्रैल को गांधी जी को दिल्ली प्रवेश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और मुंबई ले जाकर छोड़ दिए। उस टाइम सोचो, अगर किसी को आप दिल्ली से पकड़ो और ले जाकर मुंबई छोड़ दो, फिर बेचारा कैसे आएगा? वो गांधी जी द्वारा स्थापित सत्याग्रह सभा में जमुना लाल दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर, उमा सोमानी, बीजी हैनमन जो थे, ये लोग शामिल थे, क्लियर। सत्याग्रह सभा में शामिल ये लोग सदस्य थे। फिर एक घटनाक्रम बड़ी होती है, इसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आपको अमूमन देखने को जरूर मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज का।
चलिए भाई, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल को निकाले गए, अल्टीमेटली समझिए क्या घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। एग्जैक्टली यही समझ में आएगा आपको। डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके विरोध में जो है 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया था। उस जुलूस पर पुलिस ने क्या की थी, गोली चलाकर निहत्थे आंदोलनकारियों की पहले हत्या कर दी 10 अप्रैल को, जिसके से क्या हुई, स्थिति आपकी बेकाबू हो गई। परिणाम स्वरूप 12 अप्रैल को सेना बुलाई गई और जनरल ओ डायर ने बिना चेतावनी के गोली चलाने के आदेश दे दिए। जब 10 अप्रैल की जो घटना हुई थी उसके विरोध में फिर जो है 13 अप्रैल को लोग इकट्ठा हुए, कहां पर, जलियांवाला बाग में। वहां पर फिर जो है जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के आदेश दिए गोली चलाने के लिए 1,000 लोग जो है मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 389 लोग मारे गए थे और 1,200 लोग घायल हुए थे, जबकि वास्तविक स्थिति बहुत ज्यादा थी। हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या की, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, तथा शंकर नायर ने क्या किया, वायसराय की कार्यकारिणी से क्या हुआ, त्यागपत्र दिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था जलियांवाला कांड के विरोध में, तो शंकर नायर, और नाइटहुड की उपाधि किसने वापस लौटा दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके हेतु एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसमें अन्य के अलावा सर चिमन लाल सीतलवाड़, शाह बजाजी, सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण जो है इसमें शामिल थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड हंटर, तो ये भारतीय जो थे इसमें शामिल थे, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, तो क्या आंसर है, मदन मोहन मालवीय। और अंग्रेजों द्वारा जो गठित कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड हंटर। इसमें सर चिमन लाल सीतलवाड़, शाह बजाजी, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये भारतीय जो थे इसमें शामिल थे, जिनके अन्य सदस्य मोतीलाल, इसमें और कौन कौन था, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास, तैयब जी और जयकर। ध्यान दीजिएगा गांधी जी भी इसमें शामिल थे, लेकिन अध्यक्षता कौन कर रहा था, मदन मोहन मालवीय। इसके विरोध में पंजाब में क्या हुआ था, किसके, जलियांवाला बाग के विरोध में पंजाब के चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज अस्तित्व में आई थी। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि डंडा फौज जो है किसने गठित की थी, तो चमनदीप ने, कहां पर, पंजाब में। फिर भाई अगली बड़ी घटना जो आपके इस खंड की है वो क्या है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन इसमें क्या क्या हुआ एक बार देखेंगे हम लोग। 1920 में, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए भाई, लोग कम होते जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, एक बार शेयर कर दीजिए थोड़ा सा और लोग जुड़ जाएं, ताकि मैं भी एक बार कर लेता हूँ फिर शुरू कर, थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स हो जाएगा मामला। बस एक मिनट दीजिए। चलिए एक मिनट, कहाँ गया भाई, लोग थक जा रहे हैं शायद। अरे मैं बोलते बोलते नहीं थक रहा, आप लोग सुनते सुनते थक जा रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। चलिए ठीक है, मैं तो खैर खत्म करूंगा ही, आइए आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा था जलियांवाला कांड और खिलाफत। इसमें आगे क्या हुआ, 17 मार्च 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। कब, 17 मार्च 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया, तथा सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत
खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी को प्रदान की गई। 24 नवंबर 1919 को जो खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता हुई उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? महात्मा गांधी। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, ध्यान दीजिएगा, पहली बार जो था सीधी कार्रवाई की मांग या उसका जो है निर्णय लिया कांग्रेस ने कब? सितंबर 1920 में। और वो अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में घटन वो हुआ था इसका अधिवेशन? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश सरकार या विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने और असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया गया। तो विशेष अधिवेशन था। क्लास कब से चल रही है? 3 बजे से। दस अगस्त 1920 को, 10 अगस्त 1920 को सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का जो है विभाजन हो गया और खिलाफत आंदोलन भी उसी के साथ समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन तुर्की के राज राज तुर्की के राजकीय मामला था और वहां से संबंधित था, लेकिन गांधी जी ने इसको क्या है हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा और इसका भरसक जो है बढ़ चढ़ कर प्रयास किया इसमें दोनों जो लोग हैं शामिल हो जाएं और फाइनली जो है इसका फायदा मिले हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, मुस्लिम का सहयोग पाने के लिए किताब। हाँ बिल्कुल वही बता रहा हूं। फिर असहयोग आंदोलन 1920-21, यहां क्या क्या घटनाक्रम हुई देखिए। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो 1920 में हुआ था उसमें पास किए गए असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को दिसंबर 1920 में जो नागपुर का इनका वार्षिक अधिवेशन था वहां क्या हुआ? पुष्टि प्रदान कर दी गई। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को, इसकी डेट क्या है पर्टिकुलर? 1 अगस्त 1920 द्वारा शुरू किया गया। कांग्रेस की नीतियों में आए परिवर्तन के विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, नारायण चंद्रवाकर, शंकर नायर ने जो है कांग्रेस को अब छोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस ने अब क्या किया स्पष्ट जो है विरोध करना शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, प्रत्यक्ष लड़ाई जिसे कहते हैं सीधी कार्रवाई करना शुरू किया। इस वजह से जो है इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। क्या हो गया समन जी? इस समय नेशनल कॉलेज कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस जो है प्रधानाचार्य बनाए गए। शिक्षा का बहिष्कार मद्रास में पूरी तरह से असफल रहा। मद्रास में पूरी तरीके से शिक्षा का जो बहिष्कार था अंग्रेजी शिक्षा का वह असफल रहा। पंजाब में बहिष्कार आंदोलन लाला लाजपत राय ने चलाया था। गांधी जी ने अपने केसरे हिंद, जूलू युद्ध पदक तथा बोअर पदक जो है वापस कर दिए थे। कब? खिलाफत जो यह असहयोग आंदोलन गांधी ने चलाया उस वक्त अपनी 3 उपाधियां उन्होंने वापस की, केसरे हिंद, जूलू युद्ध पदक और बोअर पदक। ये तीनों उपाधियां जो अंग्रेजों ने दी थी सब की सब इन्होंने गांधी जी ने वापस कर दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा था, यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है। मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को क्या किया था? जामा मस्जिद पे भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। तो दूसरी ओर सिखों ने अमृतसर की स्वर्ण मंदिर की चाबियां एक मुस्लिम नेता डॉक्टर किचलू को सौंपकर एक जो है हिंदू मुस्लिम एकता का जो है संदेश जो है ब्रिटिश सरकार को पेश किया। अली बंधुओं ने भड़काने वाले भाषण देकर हिंसा को भड़काया और अगस्त 1921 में क्या हुआ? मालाबार के मोपला में हिंसा घट हिंसा हो गई। तो यहां पर किसने किसका इसमें हाथ था? अली बंधु जो थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान, यहां से क्वेश्चन आएगा ध्यान दीजिएगा, चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घटी जिसे चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्रोधित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने में जिंदा डला दिया। सुप्रिया सर किसके लिए उपाधि दी गई थी गांधी जी को? अलग अलग चीजों के लिए, जैसे केसरे हिंद की उपाधि थी उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी, देते रहते थे ना, और जूलू युद्ध पदक था उनको साउथ अफ्रीका से मिला था कुछ, और बोअर पदक भी, बोअर मेडल जो मिला था वो भी गवर्नमेंट ने दी थी। अब एग्जैक्टली नहीं पता कि पर्टिकुलर क्या घटना हुई थी, लेकिन सब अंग्रेजों द्वारा ही इनको प्रदान किया गया था और सब उन्होंने गुस्सा के वापस कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी डेट देखिए, कहीं कहीं आप लोग डेट 5 फरवरी और कहीं कहीं 4 फरवरी दिखाई देगी, लेकिन आंसर आयोग क्या मानता है? 5 फरवरी। तो इसलिए आंसर आप लोग 5 फरवरी लगाइएगा। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक, कहां पर? बारदोली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने कहा यंग इंडिया में खुलकर लिखा। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी पर असंतोष भड़काने का अपराध मानते हुए 6 वर्ष का कारावास सुना दिया। कहा ब्रूमफील्ड ने, इनका भी नाम पूछ चुका एक बार, भर्ती कराने वाले सार्जेंट गांधी जी को कहते थे भाई। चलिए स्वराज पार्टी का अब गठन, वैसे इसमें एक स्लाइड मिस है लेकिन चलिए जितना है उतना देख लीजिए। 1918 में कांग्रेस से अलग हुए अति उदारवादी नेता जिसके मुखिया कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी और जून 1922 में सविनय अवज्ञा जांच समिति की भी स्थापना इन्होंने की। तो यहां पर थोड़ा सा स्लाइड मिस है, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास और क्या नाम है आपका, उनकी मोतीलाल नेहरू की देन है, तो इनका नाम है इसमें स्लाइड में से, इस वजह से हम इसको स्लिप करेंगे। सीधे आते हैं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन जब होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन तक की स्लाइड में से मैंने इसको बोला था ऐड करने के लिए, साथ छूट गया उनसे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए जो है उसको फिलहाल किया जाए। राजकोट के दीवान थे जी, ठीक है। तो पूना समझौता के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। किसकी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना करने वाले कौन थे, गांधी जी थे। 8 मई 1933 में छुआछूत की समाप्ति हेतु गांधी जी ने जेल में क्या किया, शुद्धि आंदोलन के लिए 21 दिन का उपवास भी किया। ये सब गांधी जी के वो प्रोग्राम थे जो गांधी जी सकारात्मक, जिसे कहते थे कि रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा मानते थे गांधी जी इसको। मई 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को 12 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया। कब, मई 1933 में। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी ने क्या किया, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अगस्त 1933 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1933 में विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राजनीतिक नेता के रूप में असफल घोषित कर दिया। किसने किसने, विट्ठल भाई पटेल ने और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी जी राजनीतिक नेता के रूप में एक असफल व्यक्ति है। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपने आप को सक्रिय राजनीति से पूरी तरीके से अलग कर लिया और अब पूरी तरीके से वो रचनात्मक कार्यों अर्थात चरखा काटने और छुआछूत के विरुद्ध जो है कार्यक्रम जो है चलाने में लग गए थे। गांधी जी और हरिजन उत्थान, यहां क्या क्या घटनाक्रम होती है इसको देख लीजिए। गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, ये कई बार आ चुका है कि अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने की, तथा हरिजन नामक जो है एक साप्ताहिक पत्रिका को भी इन्होंने निकालना या प्रकाशन करना शुरू किया 1932 में। नवंबर 1933 में गांधी जी ने वर्धा में हरिजन यात्रा प्रारंभ की। ये भी पूछ चुका है कि हरिजन यात्रा गांधी जी ने कहां से प्रारंभ की थी, वर्धा से, केंद्रीय लेजिस्लेटिव के प्रथम अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल जी, बिल्कुल। तो नवंबर 1933 में गांधी जी ने वर्धा में हरिजन यात्रा प्रारंभ की और करीब इसमें 12,500 मील की इन्होंने यात्रा की। 25 जून 1934 को पूना में गांधी जी की कार पर एक बार बम भी फेंका गया था, छोड़ दीजिए। इसके बाद एक घटना होती है आपकी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 नवंबर 1932 तक चला, कुल 46 प्रतिनिधि, इसमें कांग्रेस का कोई शामिल नहीं था। 1935 अधिनियम की ठोस रणनीति जो है वो कहां बनती है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस गोलमेज सम्मेलन में आपका जो है ठोस रणनीति 1935 के अधिनियम के बनकर सामने आती है, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। अधिकतर लोग दूसरा गोलमेज सम्मेलन सलाह के आते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है। फिर आता है एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए, प्रणाम रजनीश कुमार, स्वागत है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935, यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसको देखेंगे। एक बार आप लोग भी शेयरिंग कर दीजिए भाई, लाइक भी करके शेयर कर दीजिए थोड़ा सा।
चलिए तो 1935 का अधिनियम देख लेते हैं भाई। हाँ एक मिनट दे दीजिए समय। हाँ ठीक है, तो 1935 के अधिनियम को देखते हैं हम। महत्वपूर्ण को टॉपिक है इस टॉपिक में, यहां से क्वेश्चन आपको अवश्य रूप से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम के निर्माण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र पर आगे विचार हेतु ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक, यह भी क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि 1935 के अधिनियम के लिए जो श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर जारी किया गया था, उसके बाद जो संयुक्त समिति बनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी। क्लियर। 2 अगस्त 1935 को यह कानून बन गया। डेट देख लीजिएगा इसकी, 2 अगस्त 1935 को 1935 का अधिनियम कानून उनके तैयार हुआ। इसकी विशेषताएं, भारत के लिए एक संघ की स्थापना की घोषणा इसमें की गई, जिसमें ब्रिटिश भारत के उपरांत जो साथ साथ देसी रियासतें जो थी इसमें शामिल थी। इस समय ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11। दमित लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सराहनीय प्रयास था भारतीय संस्कृति और मानवीय की एक मोतियों की माला के समान, जो भारत को विकासशील होने की दिशा में अग्रसर किया। बहुत बढ़िया समझ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो गांधी जी का इस संदर्भ में अथक प्रयास था। इसके माध्यम से केंद्र में जो है अब द्वैध शासन लागू कर दिया गया, और राज्यों में जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू था उसे समाप्त कर दिया था। बर्मा, वर्तमान में म्यांमार जो था, वो भारत से अलग कर दिया गया। कब? 1935 के अधिनियम से। बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया तथा दो नए प्रांत उड़ीसा और बिहार का जो है निर्माण किया गया। क्लियर। एक संघीय न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, आप लोग उसको सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। स्थापना आपको कब होती है? 1935 के अधिनियम में। कब? 1937 में होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस चीज का, तो जो 1773 में आप लोग पढ़ते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, उसका नाम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट था, उसका काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसा था। तो असली सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1937 में 1935 के अधिनियम से होती है। इसमें कुल 321 धाराएं थी, 19 परिशिष्ट या भाग थे। ध्यान दीजिएगा, एक बार पूछा चुका है ये भी क्वेश्चन, कितने भाग थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दासता का अधिकार तथा अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी बताया। तो आलोचना की नेहरू जी ने, और यह स्टेटमेंट जारी किया था 1935 के अधिनियम के लिए। जिन्ना ने कहा, यह पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल भी अस्वीकृत है। ये 1935 के अधिनियम के बारे में स्टेटमेंट ये जिन्ना के थे। सी राजगोपाली गोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन से भी बुरा बताया। 1937 में कुछ प्रांतीय चुनाव हुए थे, मंत्रिमंडलों का गठन हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत। वहां क्या घटनाक्रम हुआ उसको देखते हैं एक बार हम लोग। 1936 में लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस को चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति मिली। 1936 में लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस जो अध्यक्ष वो होता है, वो आपका वो बना था अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का, उसमें क्या हुआ? अनुमति मिल गई किस चीज के लिए? कि कांग्रेस जो है अब चुनाव में हिस्सा लेगी। तो जनवरी फरवरी 1937 में क्या हुआ? प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में क्या हुआ? पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। ध्यान दीजिएगा इनके 5ों का नाम जरूर देखिएगा, मद्रास, संयुक्त प्रांत यानी यूपी आपका, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, ये 5 जगह थी जिसने 1937 के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। बंबई, असम और उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में ये उभरी। कुल 5 प्लस 3, 8 जगह पर जो है इनको बहुमत तरीके से मिला है। बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस जो है बहुमत से वंचित रह गई, यहां पर इनके बहुमत नहीं मिला। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने, देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा था, कुल 6 प्रांतों में इनकी सरकार बनी थी। कहां कहां? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई और उड़ीसा, यहां पर क्या हुआ? इन 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। पंजाब में किसकी किसकी बनी?
मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर पंजाब में सरकार बनाई। बंगाल में किसने किसने बनाई? कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त पार्टी बनाई। और कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों के कार्यों की समीक्षा करने हेतु एक संसदीय उपसमिति बनी। इसके सदस्य किसके लिए? जो कांग्रेस शासित मंत्रिमंडल थे, जो जो प्रांतों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी, उसको उसकी समीक्षा के लिए उन्होंने क्या काम किया क्या काम नहीं किया, उसके लिए उपसमिति, संसदीय उपसमिति का निर्माण किया गया। इसके सदस्य थे सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद। इनको मिला के उपसमिति बनाई गई कांग्रेस की, जिसमें इन्होंने क्या किया, जो आपने मंत्रिमंडल बनाया उसमें इनका कार्य क्या था, इसको देखने के लिए। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में भारत को शामिल होने की घोषणा कर दी, जिससे नाराज होकर 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस ने क्या किया, जहां जहां इनके मंत्रिमंडल या सरकार बनी थी उसका त्याग पत्र दे दिया। और जैसे ही ये काम किया, मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर ने मिलकर 22 दिसंबर 1939 को क्या घोषित किया, मुक्ति दिवस। किससे मुक्ति दिवस? कांग्रेस से मुक्ति दिवस, क्योंकि इन्होंने मंत्रिमंडल से अब त्याग पत्र दे दिया था। तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर ने मनाया कांग्रेस के मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने के उपलक्ष्य में। फिर महत्वपूर्ण घटनाक्रम, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। यहां क्या क्या हुआ एक बार देख लीजिए। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति, बहुत बड़ा चुका क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की थी, स्थापना की बात होगी तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ध्यान दीजिएगा। और अध्यक्षता में कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। तो पूछे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई, तो 1938 में हुई हरिपुरा के अधिवेशन में। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। अध्यक्ष कौन थे समिति के? जवाहरलाल नेहरू, जिसके सदस्यों में बिड़ला, लाला श्रीराम और विश्वेश्वरैया जो है वो शामिल थे। 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में के लिए सुभाष चंद्र बोस को दोबारा अध्यक्ष बनाने की बात रखी गई, जिसमें गांधी जी ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया इस बात को, कि कहे कि नहीं, हमारे उम्मीदवार पट्टा भी सीतारमैया जो है अध्यक्ष बनेंगे। अंततः 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वहां के वर्तमान उस समय पे अध्यक्ष बना गए। जी 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। डेट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 3 मई 1939 को। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब होती है, 1934 में। यहां क्या बीच में देख लीजिए एक चीज, यहां पे यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। 1934 में कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों के बढ़ते प्रभाव के कारण आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। कौन कौन शामिल थे इसमें? नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करने में ये सारे के सारे लोग शामिल थे। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग चल रहे हैं, उसमें अगला घटना क्या होती, 1940 में अगस्त प्रस्ताव। तो मार्च 1940 को कांग्रेस ने अपने रामगढ़ बिहार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे सरकार ने कहा कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। और इसी प्रस्ताव को क्या कहा गया, अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना गया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया, उसके इनके जो जवाब में, इस प्रस्ताव के जवाब में उसको ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इन दोनों कंबाइंड रूप से कुछ खास नहीं था उसमें, मेन घटना होती है आपकी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। यहाँ पे क्या क्या होता है इसको एक बार तेजी से देखेंगे हम लोग। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उर्दू कवि कौन, इकबाल ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत को संगठित मुस्लिम राज्य का निर्माण ही मुझे मुसलमानों के लिए एक अंतिम नियति प्रतीत होती है। क्वेश्चन घुमा के आता है कि किसने जो है एक नए राज्य, पाकिस्तान जैसे राज्य की जो है, जिसका क्या कहते हैं, विकास पर सबसे पहले विचार व्यक्त किया था, तो इकबाल।
1933 से और 1935 के बीच कैम्ब्रिज इंग्लैंड में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली, ये इनका नाम ध्यान देखिए, यहां से क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन पूछता है। कैम्ब्रिज से पढ़ते थे कुछ चौधरी रहमत अली, एक मुस्लिम छात्र थे। इन्होंने एक पर्चा यानी पेपर जारी किया जिसमें पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को इन्होंने जन्म दिया। 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान राज्य मुस्लिम राज्य का निर्माण का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया, किंतु प्रस्ताव में अभी पाकिस्तान शब्द का जो है जिक्र या उल्लेख नहीं था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जिन्ना ने की थी। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में हमें देखने को मिलती है। तो आंशिक मान्यता हमें 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में हमें देखने को मिलती है कि पाकिस्तान जैसी कोई राज्य होना चाहिए। फिर इसी क्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह, कांग्रेस में व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करने का निर्णय लिया गया। अगस्त प्रस्ताव जो आया था उसके विरोध में, एक बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है, ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी क्यों कर रहे थे, तो लोग लगा के आते हैं क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव नहीं, व्यक्तिगत सत्याग्रह था अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। सत्रह अक्टूबर 1940 को, डेट देख लीजिएगा, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दो चरणों में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ और इस सत्याग्रह में कुल लगभग 25,000 लोग जेल में गए। ठीक है, फिर महत्वपूर्ण घटनाक्रम होती है आपका क्रिप्स प्रस्ताव। इसमें क्या क्या होता है देखिए भाई, बस थोड़ा सा और है, भारत आजाद होने वाला है। स्टेफर्ड क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव पेश किया जिसे क्या कहते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना गया। और 29 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा हुई। कब? 29 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की गई। हाँ बस बस, अब करा देंगे, थोड़ी देर में आ जाते, निश्चिंत रहिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया, खास बात है। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक की संकल्पना किसे देते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक ऐसे बैंक की संज्ञा दी जो टूट रहा है। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में दोनों के स्टेटमेंट को भी देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद महत्वपूर्ण घटना होती है क्रिप्स प्रस्ताव के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन, जब उनको लग गया कि उल्लू पे उल्लू बनाए जा रहे हैं ये लोग, कभी ये प्रस्ताव कभी वो प्रस्ताव, काम की बात कुछ नहीं हो रहे थे, तब कहा कि अब जो है आंदोलन करना पड़ेगा। तब तो आंदोलन की शुरुआत होती है और ये भयंकर आंदोलन था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी ने कहा, यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी ने कहा था इसके बारे में, भारत छोड़ो के बारे में, और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जो है मेरा साथ नहीं देगी तो मैं इस देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। ध्यान देना, कांग्रेस ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, हम साथ दे रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया, और तिलक दिवस मनाया जाता था, और उसमें बोलते हुए गांधी जी ने क्या, नेहरू जी ने क्या कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करेंगे, इसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। हाँ, इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक, कहां पर ग्वालिया टैंक, कहां है ये, बंबई में है, डेट ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त 1942 के बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस कमेटी की क्या होती है, वार्षिक बैठक होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसमें वर्धा प्रस्ताव जो पारित हुआ था भारत छोड़ो को, उसकी क्या कर दी जाती है, पुष्टि कर दी जाती है। ठीक, 7 अगस्त को ये सब कुछ हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन, इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संघर्ष की अंतिम लड़ाई भी माना जाता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ था, भारत 1947 में स्वतः ही आजाद हो गया था, तो अंतिम लड़ाई कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, यही थी। बंबई कांग्रेस अधिवेशन ने
भारत छोड़ो प्रस्ताव को थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 8 अगस्त 1942 को क्या किया, पारित कर दिया। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का जो है प्रसिद्ध नारा जो है उपलब्ध कराया। आइए, स्वागत है, बहुत लेट। भारत छोड़ो आंदोलन ने 9 अगस्त 1942 को शुरू होते गांधी जी तथा अन्य चोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्लास टाइम चेंज नहीं, आज बताया था मैंने स्पेशल क्लास होगी, संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ही क्लास में। मेन मेन क्लास जो है आपकी 1 बजे तो आई थी मेरी 1 PM पर, वो तो लगातार अपने जगह आएगी, कल भी आएगी 1 PM पे। तो एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूं मैं, कि ये जो क्लास मैं करा रहा हूं, पता नहीं चलता कैसे नहीं, देखिए डेली 1 PM पे मेरी क्लास आती है, जो रेगुलर क्लास है ये 1 PM पर आपको यूट्यूब की क्लास यहां मिलेगी मुझे, एक आपकी 1 बजे यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 बजे वाली क्लास पे हम लोग कर रहे हैं इस टाइम पे प्राचीन भारत के MCQ, टॉप लेवल MCQ, वो भी व्याख्या सहित। अभी जो ये क्लास हो रही है 3 बजे से, ये है स्पेशल टाइप की क्लास, मैराथन क्लास है, जिसमें एक ही क्लास में संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग समेट रहे हैं। और ये जो हम लोग क्लास आज करा रहे हैं, इसके MCQ कल कराऊंगा 10 बजे, हम सुबेरे 10 AM पे इसके MCQ मिलेंगे आपको, कहां पर, स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेंगे आपको। और वहां पर इसके MCQ के साथ साथ जो ये कंटेंट पढ़ा रहा हूं, इसका PDF भी उपलब्ध कराऊंगा मैं, उसी समय उसको अपलोड कर दूंगा जब क्लास खत्म होगी। तो आप क्या करोगे कि पहले MCQ करना, इसी टॉपिक के MCQ रहेंगे, उस MCQ को भी करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, उसके माध्यम से आप उस क्लास में जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इसके इस जो पर्टिकुलर क्लास और इसके PDF नोट्स और इस क्लास से रिलेटेड MCQ भी, सिर्फ MCQ वहां कराएंगे, उसके PDF नोट्स भी वहां पर देंगे। इसके साथ साथ शाम को 4:30 बजे मेरी क्लास आती है करंट अफेयर की, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, वो भी स्पेशल क्लास पे होती, फ्री है क्लासेस सारी आपकी ये। और आज जो है 7:45 पे एक जरूर क्लास ज्वाइन कीजिएगा, वो यूट्यूब पे मिलेगी आपको, यही पर, जहां पर या आपको मिलेगी पदों का विवरण UPPCS 2021 और RO 2021 की। सर क्लास की इन्फॉर्मेशन सर ने कल ही बता दी थी, हाँ कल बता दी थी, फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, होता क्या कुछ लोग जुड़ते जाते हैं हटते जाते हैं, इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है। सर 1 PM वाला टाइम चेंज कर दीजिए, हाँ नहीं करूंगा करूंगा, मंडे से या ट्यूजडे से टाइम चेंज कर दूंगा, तब मैं बताऊंगा, जब मुझे जिस दिन करना होगा उसे एक दिन पहले आके आप लोग बता दूंगा। संभवतः वो शाम को 7:45 पे होगी क्लास, ये जो 1 बजे वाली है, लेकिन अभी नहीं है, अभी वही है, जब एग्जैक्टली होने वाला तब बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा भाई, एक बार शेयर कर दो आप लोग, लास्ट होने वाला, आप तो आजाद होने वाला भारत, आजादी के नाम पे शेयर कर दो। निरारी सवरेन जी, आपके पास तो ऑप्शन है, सो जाओ, मेरे पास तो ऑप्शन भी नहीं है। चलिए तो क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन को 9 अगस्त 1942 को जैसे शुरू होता है, गांधी जी के साथ साथ जो ऊंचे नेता, चोटी के नेता थे, उन्हें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू के सहित आगा खां पैलेस पुणे में रखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभि सीतारमैया, आचार्य कृपलानी आदि को अहमदनगर में कैद कर लिया जाता है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को पटना के में नजरबंद किया जाता था, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां से वो फरार हो गए और भूमिगत होकर उन्होंने क्या किया, आजाद दस्ता का गठन किया। देखिए क्वेश्चन आता कई बार, आजाद दस्ते का गठन किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने। बहुत दिनों बाद दिन में सुनी, कोई बात नहीं, वो आज की क्लास जो है हो भी नहीं पाई थी, नेट चला गया, तो आधे घंटे की क्लास हो पाई थी। गिरफ्तारी से बचे नेता जो थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, यच्युत पटवर्धन, अरुणा आसिफ अली ने जो के भूमिगत होकर जो है इन्होंने आंदोलन को जिंदा रखा था। हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो नींद आना तय, लेकिन हिस्ट्री में सब हिस्ट्री छोड़ दीजिए, लेकिन जो पर्टिकुलर ये क्लास है ना, जिसमें हम लोग कहते हैं जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसे इसे करके चले जाएंगे तब भी काफी क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे। बी एम खाखर, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया, कई बार आ चुका क्वेश्चन के रेडियो संचालन करने वाले नेताओं कौन कौन था, BM खाखर, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता जो थी, इन्होंने कांग्रेस का रेडियो संचालित किया भूमिगत रहकर। यह स्टेशन कहां थे, मुंबई और नासिक में स्थापित थे। सुचेता कृपलानी
छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक आदि जो थे, इन्होंने बम गोला बारूद जैसी सामग्री एकत्र कर गुप्त संगठनों में ये लोग बांटते थे ताकि क्रांति जो है जिंदा रहे, संचालित होती रहे। दमनात्मक नीति के विरोध में आगा खा पैलेस में 10 फरवरी 1943 में क्या किया, गांधी जी ने 21 दिन की उपवास की घोषणा कर दी। गांधी जी की रिहाई से पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। ये भी बहुत बार पूछे कि गांधी जी की जब पत्नी की, घुमा के पूछता है ना क्वेश्चन कि जब गांधी जी की पत्नी की मृत्यु हुई कस्तूरबा गांधी की, तो गांधी जी कहां थे, तो पूरा सोचिए आप कहां थे, जेल में बंद थे आगा खा पैलेस में, ठीक है, तो तब बताना पड़ता है। तो कोई लोग कहते हैं वही घर पे ही थे, नहीं घर पे नहीं थे, आगा खा पैलेस में जेल में बंद थे। फिर कुछ समानांतर सरकारों का गठन किया गया था, उसके बारे में भी देख लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में आपके। बलिया में गांधीवादी नेता चित्तू पांडे, इसे बलिया का शेर भी कहा जाता था, लोअर में एग्जाम में आया था UP SSC के, बलिया का शेर किसे कहा जाता है, चित्तू पांडे ने पहली समानांतर सरकार की स्थापना की थी। पहली समानांतर सरकार कौन थी आपकी, बलिया में, बलिया की जो सरकार थी उसे समानांतर सरकार बोला गया। रेडियो संवाददाता थे, हाँ। बंगाल के मिदनापुर में तामलुक नामक स्थान पर तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई, कहां पर आई, बंगाल में। सतारा महाराष्ट्र इस समय की सर्वाधिक दीर्घजीवी, मतलब सबसे लंबे समय तक चलने वाली जो सरकार थी समानांतर सरकार, वो कहां की थी, सतारा महाराष्ट्र की थी, जो 1945 तक चलती रही। इसके नेता कौन थे, YP चव्हाण और नाना पाटिल। गांधी जी की पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल, क्या क्या बोले जा रहे भाई। देखिए 23 मार्च 1943 मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया है, इसकी डेट देख लीजिएगा, पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का जो है आह्वान किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने 1943 में कांग्रेस कराची अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग ने कब जो है और किस अधिवेशन में विभाजन करो छोड़ो का नारा दिया, तो कराची अधिवेशन 1943 में विभाजन करो और छोड़ो का नारा कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने दिया था अंग्रेजों को। अति उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने इस आंदोलन का विरोध किया। सोचो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले जो एक नेताओं में कौन शामिल थे, तेज बहादुर सप्रू। इतना ज्यादा उदारवादी थे ये, अति उदारवादी थे, ताकि नहीं गलत ऐसे नहीं करना चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने कहा, इन्होंने भी विरोध किया था, भीमराव अंबेडकर ने कहा कानून और व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। ये कह रहे थे कि उधर जापान का अटैक हो रहा था, तब इन्होंने कहा कि ऐसे आंदोलन के समय पर सही नहीं है, और क्योंकि जापान जो है लगभग लगभग अंडमान निकोबार तक पहुंच गया था, तो उनका कहना था कि हम अंग्रेजों से छूट जाएंगे, पता चला जापानी ने हमें फिर क्या कहते हैं फिर से गुलाम बना लिया, इसलिए इन्होंने मना किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनको निरोध में थे, तो अति तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर। अरे आप लोग तो पूरा उनके बेटे बहू के पूरा इतिहास लिख दिए। चलिए सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, इसके बारे में देख लेते हैं कुछ फैक्ट को। चलिए भाई 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से अचानक गायब हो गए। पेशावर काबुल होते हुए कहां पहुंचे, रूस पहुंच गए, और रूस से कहां पहुंच गए, अंत में जर्मनी। जर्मनी में ही भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम जो है संबोधित किया गया, उपाधि दी गई नेताजी की। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर, देखिए इंपॉर्टेंट है, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, कहां की थी, जर्मनी में की, और यही से जय हिंद का जो है इन्होंने नारा लगाया। 8 फरवरी 1943 को जर्मनी ने अपने सहयोगी आबिद, जर्मनी में अपने सहयोगी आबिद हुसैन के साथ बोट से रवाना होते, रास्ते में जर्मन बोट को छोड़कर हवाई जहाज से कहां पहुंच गए, टोक्यो पहुंच गए भाई। राज बिहारी बोस जो कि जापान में जो थे पहले से रह रहे एक भारतीय अप्रवासी थे, इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की जो है स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंडियन या इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, तो राज बिहारी
बोस ने की थी जो जापान में प्रवासी थे। चलिए भाई आगे देखिए, ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह के दिमाग में सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आता है। इसीलिए पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज के मानस किसके इसके मानसिक पिता कौन है, तो आंसर होता है मोहन सिंह। ध्यान दीजिएगा इस चीज का। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, रास बिहारी बोस ने। अब आगे चल के जो होगा ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को क्या किया, आजाद हिंद फौज का गठन किया। कब, 15 दिसंबर 1941 को आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले कौन थे, आपके मोहन सिंह। जून 1942 में रास बिहारी द्वारा बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का दूसरा सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जिसका सम्मेलन था, और आजाद हिंद फौज दोनों का जो है नेतृत्व सौंप दिया गया। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। अब इनके पास सारे संगठन आ गए थे और इनका कंबाइंड नाम जो रखा इन INA था, और उसका सर्वोच्च कमांडर किसे घोषित कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। कहां किया, सिंगापुर में। 21 अक्टूबर डेट भी पूछ चुका कई बार कि कब भारत में अस्थायी सरकार गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था सिंगापुर में, तो 21 अक्टूबर 1943 को किया था सिंगापुर में, जिसमें मंत्रियों में HC चटर्जी जो थे उनको इन्होंने वित्त मंत्री बनाया, MA अय्यर को प्रचार प्रसार मंत्री, और लक्ष्मी स्वामीनाथ को स्त्रियों का विभाग दिया गया था। ठीक है, इनका नाम भी देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। सुभाष ने अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहां बनाया, रंगून बनाया, तथा जर्मनी एवं जापान ने इस अस्थायी सरकार का समर्थन किया। दोनों देशों के नाम देखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि अस्थायी सरकार जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी उसका सही उसको समर्थन किन दो देशों ने दिया था, तो जर्मनी और जापान ने। सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का निर्माण किया और 3 ब्रिगेड बनाए, जिसका नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखा था। जापानी सेना ने आजाद हिंद फौज को अंडमान और निकोबार जो है, क्योंकि जापानी सेना के कब्जे में आ चुका था मैंने जैसा बताया, इसीलिए जो है भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि जो है विदेशी हमारे सामने खड़े हैं इसलिए ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, क्योंकि जापानी सेना ने इन दोनों पर कब्जा कर रखा था, अंडमान निकोबार पर, और इनको जो है सौंप दिया जापानी सेना ने सुभाष चंद्र बोस को, और उनका नाम क्या रख दिया, शहीद व स्वराज द्वीप। 6 जुलाई 1944 को सुभाष ने आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। फिर इसके बाद होता है आपका वेवेल योजना और शिमला समझौता, यहां क्या घटनाक्रम होते हैं इसको देख लेंगे जल्दी जल्दी हम लोग। 14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत की गई, कब, इसकी डेट देखिएगा, 14 जून 1945 को। वेवेल योजना पर विचार विमर्श हेतु 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो इसकी डेट देखिए, यहां से जो क्वेश्चन आते हैं ना इनका क्रम लगाने के लिए आता है एग्जाम में, क्रम लगाए दे देगा, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, 3-4 योजना का नाम दे देगा आपके सामने और कह देगा इनको क्रम से लगाइए। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो शिमला सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस प्रतिनिधि कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद शामिल हुए थे, तथा लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में मुस्लिम लीग को वोटों का अधिकार मिला था, ध्यान दीजिएगा, वोट देने का अधिकार जो था वो मुस्लिम लीग को इसी सम्मेलन में प्राप्त हुआ। इसका नेम चेंज हो गया, अच्छा जो अंडमान निकोबार वाला नेम चेंज करने की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ वो 2 साल हो गया अगले साल। फिर उसके बाद आजाद हिंद फौज पर मुकदमा होता है भाई, इसमें देखिए क्या क्या घटनाक्रम हुआ। लाल किले पर मुकदमा चलाने का इसमें निर्णय लिया गया। आजाद हिंद बचाओ समिति किसके लिए स्थापना की गई, सही तो रहते हैं लेकिन सही तभी होंगे जब पता होगा ना, बहुत बारीक बारीक अंतर है यहाँ पर। बचाव पक्ष के जो वकील थे उसमें शामिल कौन कौन था, भोला भाई देसाई,
यही हेड थे इस पूरे दल के। तेज बहादुर सप्रू, काटजू और जवाहरलाल नेहरू, इन वकीलों की एक टीम बनी जो आजाद हिंद बचाव समिति के नाम से बनी थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भोला भाई देसाई ने की थी। आजाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरु बख्श सिंह, श्री प्रेम, सहगल और शहनवाज को जो है फांसी की सजा इस पे सुनाई गई थी। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का नाम भी पूछता कि किसको किसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। कौन कौन थे? सरदार गुरु बख्श है ये, बख्श, और श्री प्रेम सहगल और शहनवाज। फिर भारत में चुनाव होते 1945 में, वहां क्या घटनाक्रम होता है इसको देख लीजिए एक बार। भूला भाई देसाई, बिल्कुल आईएस। क्लीमेंट एटली ने सर पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव बनाया। एटली ने पहली कार्रवाई क्या की? भारत में आम चुनाव। केंद्रीय विधानमंडल की 102 सीटों पे कांग्रेस को 57 पर क्या है सफलता मिल गई 1945 में। बंगाल, सिंध, पंजाब को छोड़कर शेष स्थानों पर इसको कांग्रेस को बहुमत मिला था। मुस्लिम लीग को केवल जो है बंगाल और सिंध में बहुमत मिला, ठीक, जो 1945 में चुनाव हुए तो वहां की बात हो रही है। फिर इसके बाद क्या घटनाक्रम होता है? शाही नौसेना का विद्रोह होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी की सिंगल परीक्षण संस्थान SMIS तलवार के सिपाहियों ने रेडिंग्स, जो जिनको रेडिंग्स भी कहा जाता था, रेडिंग्स, इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। बस आजाद होने वाले, बने रहिए। दिन में जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, सरदार भगत सिंह। वाह, जाना होगा, ओके, बाय बाय। विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया, और जिसका नेतृत्व किसने कर, कौन करते? MS खान। विद्रोह को कुचलने के लिए सरकार ने एडमिरल गालफ्रेड, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि किसको भेजा, एडमिरल गालफ्रेड को भेजा था विद्रोह को कुचलने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जिन्ना ने नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया था, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है किसने जो है उनको प्रेरित किया, जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद क्या घटना होती है? कैबिनेट मिशन। हाँ, कैबिनेट मिशन, डेट देखिए इसकी, 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है भारत आया, जिसके सदस्य कौन कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर और पैथ्रिक लॉरेंस। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, कांग्रेस ने इसका क्या है अस्वीकार किया, परंतु कांग्रेस ने इसकी जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी ना, उसका समर्थन किया था कैबिनेट मिशन की। 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन वापस चला गया। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में 296 जो सीट थी उस पर कांग्रेस ने 205 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, और लीग के जो नेता थे वो बौखला गए इस चीज से, और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की कि अब आर्या पार, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी थी कि उनको लगा कि अब जो इनकी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगा। फिर होती है अंतरिम सरकार के गठन, इसमें क्या क्या हुआ भाई देख लो, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं भैया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू ने भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की, कब? 24 अगस्त 1946, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। अंतरिम सरकार के सदस्य औपचारिक रूप से क्या थे? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, कहने को अंतरिम सरकार थे लेकिन औपचारिक रूप से वो क्या थे? कांग्रेस की है, उसकी वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य थे, परिषद के सदस्य, जिसका अध्यक्ष वायसराय होता था और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का पद क्या था? तो एक ऑप्शन में अध्यक्ष था, एक अध्यक्ष में, एक ऑप्शन में उपाध्यक्ष था, तो 80% 90% लोगों ने अध्यक्ष आंसर लगा दिया भावनाओं में के। 2 दिसंबर 1946 को नेहरू ने 11 अन्य सदस्यों के साथ क्या शपथ ग्रहण की। तो वास्तविक स्थिति ध्यान दीजिएगा, जो अंतरिम गवर्नमेंट थी उसकी थी वो क्या थी? वो वायसराय की परिषद के सदस्य ही थे, लेकिन उनको कहा गया अंतरिम सरकार। इसमें लीग ने 5 मनोनीत सदस्यों के साथ प्रवेश किया, मान गए थे लीग वाले, और 5 मनोनीत सदस्यों के साथ जो है प्रवेश कर गए थे। किसमें? जो 24 2 सितंबर 1946 को नेहरू द्वारा
11 सदस्यों के साथ शपथ ली गई थी, उसमें शामिल थे 5 लीग के सदस्य। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने तुरंत ही आते इसका बहिष्कार कर दिया। ध्यान दीजिएगा इसका, तो ये डेट पूछता है कि पहली संविधान सभा की बैठक किस डेट को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। फिर इसके बाद एटली घोषणा पत्र, फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि जून 1948 से पहले हम भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। फिर इसके बाद आता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 34वें और अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य क्या था, भारत को यथाशीघ्र आजादी दिलाना। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। कांग्रेस की ओर से पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने विभाजन योजना पर क्या है सिग्नेचर किए या उसे स्वीकार किया। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भारत की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से किन नेताओं ने विभाजन योजना को स्वीकार किया या उसे हस्ताक्षरित किया, तो आंसर क्या होगा आपका, पंडित नेहरू और सरदार पटेल। 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना को प्रस्तुत किया, इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट, बस अब आजाद होने वाले भाई, लड्डू डू लिया तुम लोग अपना अपना। चलिए तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, हाँ पटेल और साथ में जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग शामिल थे उसमें, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को, डेट सब इंपॉर्टेंट है, 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है पास हुआ इस उपबंध द्वारा कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होगा, और जो कि हुआ। तो ये डेट पूछता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम किस डेट को पारित हुआ, 18 जुलाई 1947। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्रता भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। पाकिस्तान की संविधान सभा द्वारा 11 अगस्त को अपनी पहली बैठक में जिन्ना को राष्ट्रपति चुन लिया। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना क्या बने, पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सेशन में जुड़ने के लिए मेरे साथ, और आप लोगों से गुजारिश है कि अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना आपको मेरा कोड यूज कीजिएगा PS10, और PS10 कोड के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल लिंक दी हुई है मेरी, उसको फॉलो कर लीजिए आप। साथ साथ इसके साथ आप लोग टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम का, उसको फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी क्लास की लिंक PDF वगैरह उपलब्ध कराई जाती है। तो इनके साथ साथ आप डेली बेसिस मुझसे जुड़े रहिए, और आप लोगों को प्रोफाइल लिंक अगर आप फॉलो किए रहेंगे या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक फॉलो किए रहेंगे तो जो भी क्लासेस ऑर्गेनाइज होंगी या थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो रहा है तबियत की वजह से, वो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाया करेगा। तो दोनों चीजों को फॉलो कर लीजिए आप लोग और जुड़े रहिए, और इस अप्रैल के महीने में कंप्लीट तरीके से रिवीजन अपनी आप महत्वपूर्ण जिसमें पॉलिटी हिस्ट्री यूपी स्पेशल और कुछ सेक्शन करंट अफेयर का हम लोग जो है रिवाइज कर लेंगे। तो इसके लिए आप लोग जुड़े रहिए, अनअकैडमी में जुड़ने के लिए मेरा कोड PS10 जरूर यूज कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।